हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ ब्रेक एग्जाम्स। एंड कैसे हैं आप सब लोग? आज हम सीडीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप यू ऑल लर्न अलॉट विथ मी एंड डू वेल इन योर एग्जामिनेशन। सो ये सेशन स्पेशली केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्वेश्चंस के लिए होने वाला है। पहले पहले मुझे बस ये बता दीजिए आप लोग कि इफ यू आर एबल टू हियर माई वॉइस प्रॉपरली और नॉट, है ना? जस्ट लेट मी नो। Okay, just let me know if my network is fine or not. Yesterday we had some glitches, so today I have done my homework. I hope it is not troubling you today, right? So, and we will quickly start the session. Okay, my voice is not clear. What about others? They are telling all clear. So, hello Abhishek, hello Meghanand, Puran, and we have Jyoti Balia also, right? And yeah, welcome back all of you. Right, okay, just let me know of the audio, if the audio is clear to you or not. Okay, and yes, definitely do like this session and share with all your friends who are appearing for CDS examination tomorrow, also NDS examination. Yes sir, now it's buffering. All right, so just let me check, hold on. Okay, just let me know. Jai Hind, Abhishek Singh, and yes, let me know if the network is fine now or not, okay, before we start now. Okay, so what is the issue? Audio clear nahi hai ki video clear nahi hai? Oh, all right. So here I'm flashing the first question over here. So ये आपका question है, which one of the following has property of malleability and ductility both? Okay, please try to identify the correct question answer and write. Okay, so you already know that metals are, they have malleability property. Okay, वो malleable होते हैं और वो ductile भी होते हैं. Malleable क्यों? क्योंकि they can be beaten into sheets, है ना? आप लोगों ने अक्सर मिठाइयों के डब्बों में देखा होगा कि सिल्वर की एक लेयर लगी रहती है वहां पे, है ना? ओके, सो यू ऑलवेज फाइंड अ लेयर ऑफ सिल्वर देयर, राइट? सो उसका मतलब यही है कि क्या बोलते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो काफी मैलेबल और डक्टाइल होते हैं. सबसे ज्यादा मैलेबल डक्टाइल इसमें है. प्लीज आंसर द ऑप्शन नाउ. आई एम लुकिंग फॉर, वेटिंग फॉर द ऑप्शन हियर. ओके, so the correct answer for this question is gold, है ना? Gold is considered to be highly malleable and highly ductile. ठीक है, काफी malleable होता है, काफी ductile होता है, और इसीलिए space में जो explorations होती है ना, उसमें इस metal का इस्तेमाल काफी किया जाता है because of its super conductivity and malleability. Right? Now we are moving on to the next question. Aluminium का और बताना है, ठीक है ना? और बहुत ही इंपॉर्टेंट. ओके, पूरन इज टेलिंग ऑल इज क्लियर नाउ सर, राइट? सो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, सो आप लोग को पता है कि और ऐसी चीजें होती हैं जहां से मेटल जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना, और से दीज आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम वेयर अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, राइट? सो लेट मी नो द आंसर एंड प्लीज बी वेरी वेरी स्मार्ट इनफ. बहुत सारे मेटल्स हैं जिनके आपको और पता होने चाहिए, है ना? सो एज अ फॉलो अप क्वेश्चन, कैन यू प्लीज टेल मी द ओर ऑफ आयरन, कैन यू प्लीज टेल मी द ओर ऑफ मर्कुरी. कई बार ये दोनों ओर ना रिपीट किए गए हैं एग्जामिनेशन में. सो नॉट ओनली यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस टू क्वेश्चन ऑल्सो. ओके, और हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो बॉक्साइट ओर की माइनिंग होती है वो उड़ीसा में कोरापुट नाम की जगह है, राइट? सो वेल डन अभिषेक हैज गिवन द करेक्ट आंसर, मिस्टर वाइट, शालू, ओके, सेजल, ज्योति, सो वेल डन ऑल ऑफ यू. बस यही अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें बढ़ते जाना है. अब देखो, मैंने बॉक्साइट पूछ दिया है, कल वो मर्कुरी का पूछ सकता है, आयरन का पूछ सकता है ना. देयर आर चांसेस, अलॉय और ओर्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, है ना, वन और दी अदर वे. सो प्लीज गिव द अदर आंसर्स आल्सो. ओके, गुड इवनिंग धनिया, राइट? वी हैव स्मृति आल्सो. ओके, सो
वेलकम बैक स्मृति। चलिए, सो यू कैन आंसर द फॉलो अप क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, मेघा ने दे दिया है आंसर मरकुरी का, इवन काजल। ओके, मेघा है आंसर कर, तो मरकुरी का जो ओर होता है वो होता है सिनेबार, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है HgS, ठीक है। और आयरन के दो ओर होते हैं बेसिकली, एक हेमाटाइट होता है और एक मैग्नेटाइट होता है, राइट। चलो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ओजोन लेयर आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लेता है, राइट। और हमारे तक मतलब इट प्रिवेंट्स अस गेटिंग इन कांटेक्ट, ओके। अदरवाइज स्किन रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं उससे, है ना। तो कौन से लेयर में पाया जाता है, क्योंकि पता है हमारी जो एटमोसफेयर है कई लेयर्स में पाया जाता है। हम लोग रह रहे हैं ट्रोपोस्फेयर में, तो ओजोन लेयर जो है वो किस पर्टिकुलर लेयर ऑफ एटमोसफेयर में पाया जाता है, दैट यू हैव टू आंसर। एंड डू लाइक एंड शेयर दिस सेशन विद ऑल द फ्रेंड्स, बिकॉज ये आज हमारा लास्ट मतलब प्रिपरेशन का अटेम्प्ट है। और आप लोग भी बेसिकली आज अपनी नॉलेज चेक करने यहाँ पे आए हुए हैं कि कितना प्रॉपरली आपने केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। सो आई वॉन्ट द करेक्ट आंसर्स, राइट। सो द करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज स्ट्रैटोस्पियर, ओके। स्ट्रैटोस्पियर इसका सही आंसर है। और यहाँ पे स्ट्रैटोस्पियर स्मृति, काजल एंड राज, पूरन, दी ऑल ऑफ यू हैव गिवन करेक्ट आंसर, सो वेल डन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, ठीक है ना। इसका आंसर जो सबसे पहले सही देगा, मैं उसका नाम यहाँ पे लिखूंगा, ओके। सो लेट मी सी हु इज गोइंग टू गिव द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। जय हिंद प्रदीप, ओके। सो आई हैव गॉट द आंसर, द फर्स्ट पर्सन हु हैज गिवन द करेक्ट आंसर इज नीरज, एज आई कैन सी हिज नेम, ओके। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अब इसका फॉलो अप क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, ठीक है ना। लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, उसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, राइट। एंड देखो, ये होता है लेड नाइट्रेट, ये एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, राइट। लेड नाइट्रेट इज अ व्हाइट कलर सब्सटेंस। जब आप इसको थर्मली डिकम्पोज करते हैं, ओके, जब आप इसको थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, राइट। सो बेसिकली पहले ये भी बताओ कि क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी आंसर आपको देना चाहिए यहाँ पे, ओके। सो देखो, प्लीज आंसर वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंड वेल डन, यहाँ पे अच्छा अच्छी मेरे को तैयारी दिख रही है बच्चों की, ओके। सो वेरी वेरी गुड गाइज, ओके। इट इज रियली अप्रिशिएबल, क्योंकि यहाँ पे आप लोग मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग करेक्ट आंसर, एंड स्मृति हैज गिवन द करेक्ट आंसर फॉर लाफिंग गैस ऑल्सो, है ना। आपने वो जो पिक्चर देखी है ना, कौन सी बोलते हैं, हाउसफुल, उसमें एक सीन में देखे ना, लोग नहीं चाहते फिर भी हंसने लग जाते हैं, है ना। सो बेसिकली वो क्या कर देते हैं, पूरे मॉल में N2O की बरसात मतलब N2O को स्प्रे कर देते हैं वहां पे, तो दिस इज नोन एज लाफिंग गैस। अब जो ये NO2 गैस होती है, ये ब्राउन कलर की गैस हो रही है, ये आप रिएक्शन देख सकते हो, ये तो जो ब्राउन कलर की गैस निकल रही है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। सो दिस इज दिस गिव्स ब्राउन वेपर, ओके। सो बच्चों, दिस इज नॉट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि लेड नाइट्रेट को स्प्लिट करने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी मिलेगी थोड़ी आपको, ओके। किसी चीज को तोड़ना है, मरोड़ना है, तो यू विल हैव टू अप्लाई एनर्जी, यू विल हैव टू सप्लाई एनर्जी, ठीक है ना। तो बच्चों प्लीज, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, अगर किसी में रिएक्टेंट सिंगल है तुम्हारी तरह, ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट सिंगल है तो मोस्टली इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती हैं वो एंडोथर्मिक होती हैं। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बच्चों, ओके। या ऐसे नहीं, आपको मन में नहीं घुसने वाला, यू कैन नॉट गेट दिस इन टू योर माइंड अनलेस यू राइट इट मेनी टाइम्स, ओके। सो राइट, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर, ओके। और एंडोथर्मिक मतलब क्या है, एनर्जी का एंटर करना, एंडो मतलब एनर्जी का एंटर करना, थर्मिक मतलब क्या, हीट होती है, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इनफ फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ओके। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर व्हाट, दे आर एंडोथर्मिक इन नेचर। एंड हेयर यू गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, परसेंटेज परसेंटेज खेला जा रहा है यहाँ पे, है ना। अब सिंपल सी बात है, नमक को अगर मैं पानी में डाल रहा हूँ तो नमक क्या होता है, बेसिकली नमक होता है मेरा सोल्यूट और पानी होता है सॉल्वेंट, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सोल्यूशन, ठीक है। ओके, हाँ, इधर बच्चे ने बहुत अच्छी बात लिखी है, द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट इज मेघ आनंद झा, ओके, MA झा। इन्होंने बड़ी अच्छी लिखी कि देखो उसमें एरो में ही क्या लिखा हुआ था, हीट लिखा हुआ था, है ना। इसका मतलब हमने हीट उसको सप्लाई की, तभी तो जाके वो स्प्लिट हुआ अपने कंपोनेंट्स में,
ठीक है ना। अब किसी का भी डिकम्पोजिशन करना वो कई तरीकों से किया जा सकता है ना। मैंने कहले आप थर्म, आप उसको हीट प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उसको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, सनलाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गिवन बाय मेघानंद झा अगेन। द करेक्ट आंसर इज 10%। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना। आपको बेसिकली 20 ग्राम था और सोल्यूट का मास कितना था, 20 ग्राम। सोल्यूशन का क्या होगा, 20 + 180, सो दिस बिकम्स 200 × 200। ऑल राइट, सो बेसिकली 2 1s are 10s are, हेयर यू गेट 10%। तो जिनको सोल्यूशन नहीं समझ में आया, दे कैन वेरी वेल लुक एट दिस। ओके, सो टुमारो माई एग्जाम, इट्स माई फर्स्ट अटेम्प्ट, आई एम नर्वस। विपिन शर्मा, नर्वस होना काफ़ी नेचुरल है, कोई क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम, तो नर्वस होना इज नेचुरल। बट अगेन आई एम टेलिंग विद द प्रिपरेशन, है ना, विद साउंड प्रिपरेशन यू कैन बीट दैट नर्वसनेस। ओके, इफ दैट नर्वसनेस फीलिंग इज कमिंग टू यू ऑल, जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, यू हैव टू रिवाइज इट। एंड अगेन आई टेल यू, इट्स अ पेपर ऑफ 900 मार्क्स, आप मैथमेटिक्स से फोकस कीजिए, बाकी 600 में से आपको मतलब ऑलमोस्ट 40 to 50% क्वेश्चन बन ही जाएंगे, है ना। सो डोंट वरी, द पेपर विल गो वेरी नाइस। ओके, यू हैव बीन प्रिपेयरिंग, राइट, हैव फेथ एंड गिव योर बेस्ट टुमारो, राइट। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, डू आंसर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, सो इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स, है ना, इनमें सेम एनर्जी तो पेनिट्रेशन पावर किसकी ज़्यादा होगी, ये पूछा गया है ना, किसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होगी, दैट हैज बीन आस्क्ड, राइट। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग एंड डू लाइक दिस सेशन। ओके, आज का सेशन है, पहले वो तो काफ़ी एनर्जेटिक होने वाला है एंड यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट, आई एम टेलिंग यू। ओके, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन में आप 5 6 चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है। बाकी देखो, आपको पता होना चाहिए 3 रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स होते हैं हमारे, राइट। सो वी हैव अल्फा पार्टिकल, वी हैव बीटा पार्टिकल एंड वी हैव गामा पार्टिकल। सो इसमें जो सबसे सही ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इन द ऑप्शन ए। ओके, दैट इज इन द ऑप्शन ए, दिस इज द करेक्ट आंसर हेयर, राइट। मतलब जो गामा पार्टिकल होता है, इसका स्पेलिंग लिख देता हूँ, दिस इज गामा पार्टिकल्स, दिस इज हाईली रेडियो एक्टिव, कहीं पे भी पेनिट्रेट कर सकता है। हाँ, कोई अगर पूछे कि कौन सी चीज़ है जो गामा पार्टिकल्स को रोक सकती है, व्हाट इज दैट थिंग विच कैन स्टॉप गामा पार्टिकल्स, सो दैट इज बेसिकली लेड। ओके, लेड, ठीक है ना। लेड बेसिकली आया किससे है, ये आया है लैटिन नेम जिसका नाम है प्लम्बम, ठीक है ना, क्योंकि पुराने जमाने में जो पाइप्स होती थी ना, पाइप्स वो बनी होती थी लेड की ही, बाद में लेड पॉइजनिंग के चक्कर में इन पाइप्स को स्टॉप कर दिया गया, तो उस टाइम पे जो पाइप क्योंकि लेड की बनी होती थी ना, और तो लेड को प्लम्बम बोलते थे, और आज भी जो पाइप का काम देखता है उसको क्या बोलते हैं, प्लम्बर, है ना, तो उसको प्लम्बर बोला है, तो उसका हिस्ट्री से भी हमारा रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट। सो गामा पार्टिकल्स को हम लोग लेड की मदद से रोक सकते हैं, राइट। इसीलिए कई आप एक्सपेरिमेंट देखते हो तो उसमें अगर कोई रेडियो एक्टिव पार्टिकल निकल रही तो उसको एक लेड बॉक्स में रखा जाता है ताकि वो जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स यहाँ वहाँ ना फैले, राइट। सो दिस विल ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, राइट। नाउ हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द कंपाउंड हैज सेम इक्विवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर वेट, है ना। इसमें से कौन से कंपाउंड में इक्विवेलेंट और मॉलिक्यूलर वेट उनका सेम रहता है, वो आपको पता करना है, ठीक है ना। प्लीज ट्राई 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 टू राइट द आंसर हेयर, देन आई विल टेल यू व्हाट वाज द लॉजिक। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सोडियम क्लोराइड। बेसिकली आपको देखना था कि किसका चार्ज +1 है यहाँ पे, जिसका चार्ज +1 होगा और कोई दूसरे का चार्ज ना चढ़े तो उसी का इक्विवेलेंट मास बराबर होगा किसके, मॉलिक्यूलर वेट के, राइट। सो हेयर NaCl का ये आंसर होगा D। सो वेल डन मेघानंद झा, स्मृति, सबने इसका आंसर सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग, है ना। एक मान लो एक मेटल ए है और एक मेटल बी है ना, और इन दोनों को अगर मुझे ज्वाइन करना है तो बेसिकली मैं क्या यूज कर सकता हूँ, है ना, कैसे ज्वाइन करूंगा इनको, इट इज विद द हेल्प ऑफ, है ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन D, दैट इज एसिटिलीन।
ठीक है, ये काफी कलरलेस हाईली फ्लेमेबल गैस होती है एंड इसको कटिंग, वेल्डिंग और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक और कंफ्यूज मत होना, ये तो एसिटिलीन है, एक और होता है, एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन, एसिटिलीन। ओके, नाउ प्लीज टेल मी, एक और चीज होती है काफी इंपॉर्टेंट, जो फ्रूट का राइपनिंग एजेंट होता है ना, फ्रूट को पकाने में मदद करता है, प्लीज राइट दैट नेम ऑल्सो, है ना। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, तो दैट्स वाई आई डोंट वॉन्ट टू मिस दैट, है ना। मैं उसको, जो क्वेश्चन काफी स्पेसिफिक हैं, जो आते ही आते हैं, तो उनको हमें मिस बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। तो वो कौन सा कंपाउंड है, एसिटिलीन तो मान लिया कि वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो फ्रूट को राइप करने वाला एजेंट कौन सा है, वो भी आपको यहाँ पे बताना है, राइट। टिल देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। आपके हाथ में जो हमेशा मोबाइल रहता है ना, उसमें जो बैटरी है, ठीक है ना, लैपटॉप की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, आईपैड की बैटरी, गाड़ी की बैटरी, है ना, किसी की भी बैटरी हो, उसमें एक मेटल जो है वो यूज होता ही होता है ना। एंड व्हाट इज दैट मेटल, यू हैव टू नेम हेयर, राइट। और मेरे साथ आज एकदम लास्ट तक सबको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ बने रहना है, राइट। सो यस, पूरन चंद्र हैज गिवन द करेक्ट आंसर। जो फ्रूट राइपनिंग एजेंट होता है वो होता है एथिलीन, है ना, वो होता है एथिलीन, उसका फॉर्मूला होता है C2H4, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला C2H4 होता है। तो ये प्लांट को, मतलब ये फ्रूट्स की राइपनिंग में काम आता है। बाकी इसका सही आंसर है लिथियम, है ना। वैसे भी आप लोगों ने सुना होगा आजकल, मतलब ये बहुत टर्म फेमस भी हो गया, लिपो बैटरी। हमारे पास जो बैटरीज रहती हैं वो कौन सी बैटरी होती हैं, लिपो बैटरी, लिथियम पॉलीमर बैटरी का इस्तेमाल आजकल हो रहा है। और इसका एक और कारण भी, एक तो देखो ये लिथियम काफ़ी ज़्यादा मतलब रिएक्टिव भी है, एट द सेम टाइम ये लाइटेस्ट मेटल है ना। आप देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सो लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल वी हैव, राइट। सो लिथियम इज द करेक्ट आंसर, विच इज यूज्ड इन ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बच्चों। ओके, नाउ हियर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सेड दैट एटम इंडिविजिबल है ना। पहले जो एटम था ना, एटम का नाम एटम क्यों पड़ा, टॉम मतलब होता जो चीज काटी जा सके ना, जैसे बायोलॉजी में वैसेक्टोमी होता है, ट्यूबेक्टोमी होता है, तो किसी चीज का कट जाना होता है टॉम, एटॉम मतलब जो चीज काटा ना जा सके, ठीक है ना। सो एटम जो है इसको इंडिविजिबल किसने बोला था आउट ऑफ ऑल द फोर साइंटिस्ट, है ना। हालांकि ये चीज गलत प्रमाणित हुई थी, फिर भी बोला किसने था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ओके, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए सही है। ये जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है जॉन डेल्टन, इनको फादर ऑफ एटॉमिक थियरी भी बोलते हैं। ओके, सो वेल डन, प्रदीप हैज गिवन द करेक्ट आंसर, धन्या हैज गिवन द करेक्ट आंसर, गणेश, ओके, सो वेल डन ऑल ऑफ यू। आई थिंक ये आप लोग ऑलरेडी पता था, बस अभी कमेंट सेक्शन में ये लिख दो कि डेल्टन इज द फादर ऑफ एटॉमिक थियरी। ओके, डेल्टन इज द फादर ऑफ एटॉमिक थियरी, ये भी आप लोग फटाफट लिख दो, वो दैट अपने माइंड में, देखो रिटेंशन रहना बहुत जरूरी है, जब तक माइंड में चीजें आप रिटेन करोगे, एटलीस्ट कल तक तो रिटेन कर लो, क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ कि यही सब पूछा जाएगा, है ना। कल अगेन आई विल बी टेकिंग लाइव सेशन एंड यू विल सी ऑल द क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड इन लाइव सेशंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड, ओके, सो डोंट टेक दैट रिस्क, राइट। तो इस भाई ने ये बोल दिया था कि जो एटम है ना, एटम से छोटा कुछ नहीं है ना, सबसे छोटी चीज, जो स्मॉलेस्ट चीज इस वर्ल्ड में है, वो क्या है, वो एटम है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकल के आ गए, है ना। सबसे पहला जो सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, देन प्रोटॉन, देन न्यूट्रॉन, ठीक है ना। ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर होने के बाद डेल्टन की थियरी जो थी वो फेल हो गई। बट अगेन, मैं कोई चुपचाप बैठा है, इससे अच्छा कोई कमेंट कर रहा है, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। सो डेल्टन इज द फादर ऑफ एटॉमिक थियरी, ये आप अपने माइंड में प्रॉपरली याद करके रख लो अच्छी तरह से, ओके। और बहुत सारी ट्रिक्स आने वाली हैं जो आपको केमिस्ट्री में मदद करेंगी, एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ, है ना। ओजोन लेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज, है ना, ओजोन लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप ध्यान रखिए, ओके, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन नाउ। हाँ, ज्योति हैज रिटर्न करेक्ट कि जे जे थॉमसन जो थे, उन्होंने बाद में बोला कि भाई ये जो डेल्टन है ना, डेल्टन ने जो बोला है वो गलत बोला है, सही चीज है कि एटम के भी अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, सो वेल डन ज्योति, राइट। एंड हियर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज
ऑब्वियसली वो एक्स अल्ट्रा वायलेट रेस को प्रिवेंट करते हैं, ये आप ओजोन लेयर देख सकते हैं। नाउ हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, आपको पता है हमारे पीरियोडिक टेबल में जो होते हैं कितने, सेवन पीरियड्स होते हैं, तो इन्होंने पूछा कि फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, है ना। और इसी के साथ साथ मैं आपको सारे एलिमेंट्स का हिसाब भी दूंगा कि कैसे कैसे, मतलब देखो आज तक आज हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स है ना, टोटल वी हैव 118 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, राइट। सो आई होप गाइज माई वॉइस एंड ऑडियो इज ऑल्सो क्लियर, वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर है आप लोग को, है ना, ऐसा नहीं कि मैं खुद से ही बात किए जा रहा हूँ। खैर आई एम गेटिंग योर रिस्पॉन्सेज, बट आई वॉन्ट मोर रिस्पॉन्सेज, बी वेरी एक्टिव, ओके। अपने माइंड को बस यहीं पे लगा के रखो, बी अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, ओके। आज अगर आपने ध्यान दे लिया है ना, तो हो सकता है यही यही चार पांच क्वेश्चंस का डिफरेंस ही आपका मतलब सिलेक्शन करा जाए, ओके। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, है ना, सी, है ना, सही आंसर क्या है, सी। देखो ऐसा इसमें सीन होता है, ये देखो ये रही पीरियोडिक टेबल, तो फर्स्ट वाले में कितने रहते हैं, टू, नेक्स्ट होते हैं एट, देन एट, देन 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32, इस तरह हमारे टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 118 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, इस पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, ठीक है। चलो अब मुझे ये बताओ बच्चों कि कौन से ऐसे दो लेटर हो पीरियोडिक टेबल में कभी नहीं दिखेंगे आपको, है ना, दो लेटर ऐसे हैं यू विल नेवर सी इन पीरियोडिक टेबल, कैन यू प्लीज नेम दैट। दूसरा फॉलो अप क्वेश्चन ये है, इसमें से चार प्लैनेट को ढूंढो आप, है ना, देयर आर फोर फोर एलिमेंट्स नेम्ड ऑन द नेम ऑफ द प्लैनेट, दैट ऑल्सो यू हैव टू शेयर हेयर, राइट। बाकी देखो ये इस साइड होते हैं मेटल्स और इस साइड मोस्टली होते हैं क्या, नॉन मेटल्स होते हैं, ये बीच वाले हो गए ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये हैं सेमी मेटल्स, है ना, मेटल या मेटलॉइड जिसको बोलते हैं, नीचे लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स होते हैं यहाँ पे, राइट। सो ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। इनका चार्जेस भी क्या, फर्स्ट वाले ग्रुप का चार्ज +1 होता है, सेकेंड वाले का +2 होता है, फिर 13th वाले का +3, फिर 4, फिर -3, -2, -1, 0, ओके, वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये रेस्पॉन्स देख के आपका कि जोकर और क्यू क्वीन, है ना, जे और क्यू मिसिंग है पीरियोडिक टेबल में, है ना, अभी तक उन लोगों को कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जिसमें जे और क्यू को वो डाल सकें, ठीक है ना। सो वेल डन, यहाँ पे तो लगता है आप लोग वेट ही कर रहे थे कि मैं क्वेश्चन पूछ दूँ, सो वेल डन रूपक शर्मा, रूपक ने भी सही किया है, रूपम ने भी सही किया है, मेघ, देविका, देन धनंजय, काजल, यू ऑल हैव डन इट करेक्टली, ओके। अच्छा सेजल ने प्लैनेट्स के नाम भी लिखने की कोशिश की है यहाँ पे, तो मरकुरी, नेपच्यून, यूरेनियस, भाई टेल्यूरियम कौन सा प्लैनेट ढूंढा है तुम सेजल, मतलब प्लैनेट जो है उसी में से करना है, जो होने वाले हैं उनसे नहीं, ठीक है। अच्छा हाँ, तो देखो चार प्लैनेट्स ये रहे, मरकुरी, सॉरी मरकुरी, यूरेनियम, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, है ना, ये है चार प्लैनेट्स जो हमारे पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। वैसे जितने भी हमारे पास प्लैनेट्स है ना, सिर्फ अर्थ ही ऐसा है जिसका नाम किसी गॉड के ऊपर नहीं रखा गया, बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो किसी ना किसी गॉड के ऊपर उनका नाम रखा गया है, ठीक है। चलो, तो पूरन चंद्र ने एक चीज और हमको बताई है ना, आपको मैं ट्रिक दे देता हूँ, आप लोग ट्रिक याद रखना, मॉब, ठीक है ना, मॉब का मतलब है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, है ना, मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो प्लीज सब लोग लिखो मॉब, क्योंकि बहुत जरूरी है, देखो बड़ा सिंपल सी बात है, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। देखो आप लोगों ने क्या, आपके पेट में कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो देखो क्लोरीन नॉन मेटल, है ना, H2SO4 होता है तो उसमें देखो सल्फर है ना, फिर नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, HNO3, देखो नाइट्रोजन, आप क्या देख रहे हो, एसिड में क्या देखने को मिल रहा है, नॉन मेटल, और बेस देखो, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, क्या दिख रहा है इसमें आपको, मेटल दिख रहे हैं। सो प्लीज रिमेम्बर दिस ऑल ऑफ यू, है ना, मॉब, ठीक है ना, लिखो उसको, ज्योति ने ऑलरेडी इसकी शुरुआत कर दी है, शी हैज टेकन द इनिशिएटिव, रेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल्सो टेक दिस इनिशिएटिव, मॉब लिखना बहुत जरूरी है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एकदम दिमाग में एम्बेड करके रख लो उसको, ठीक है, भूलना नहीं है उसे, राइट। और इस पीरियोडिक टेबल में देखो एक चीज और आपको जो ध्यान रखनी है, ये देखो यहाँ पे कॉइनेज मेटल्स दिख रहे हैं आपको, है ना, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड कॉइनेज मेटल्स हैं, जिंक कैडमियम और ये मरकुरी, ये ऐसे मेटल्स हैं जो जो क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये क्या है, ये कैटलिस्ट के मेटल्स हैं, ठीक है ना। टेक्नीशियम क्या है, सबसे पहला आर्टिफिशियल मेड एलिमेंट है, ठीक है ना, इसका नाम भी टेक्नीशियम इसीलिए पड़ा क्योंकि इसको टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया था लैब में, ठीक है ना, इसलिए इसको टेक्नीशियम बोलते हैं,
राइट। सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर इन योर माइंड, ठीक है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सी बोर्गियम है ना, सी बोर्गियम एक ऐसा साइंटिस्ट था कि जब वो जीवित था उसके नाम पे एलिमेंट था, है ना। इसके पहले कोई भी साइंटिस्ट को ऐसा सम्मान नहीं मिला, तो फर्स्ट साइंटिस्ट जिसके जिंदा रहते रहते उसके नाम पे एलिमेंट था, वो क्या था, सी बोर्गियम था, ठीक है ना। हालांकि अभी जो एलिमेंट नंबर 118 है, जिसको हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं ना, ये भी जापान का एक साइंटिस्ट है, ये भी अभी जीवित है और इसके नाम पे एक एलिमेंट है, समझ रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, ध्यान रखना बच्चों। पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन आते ही हैं। पीरियोडिक टेबल में देखो, मेटल से लेफ्ट साइड मेटल होते हैं, राइट साइड नॉन मेटल्स होते हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट से राइट क्या होगी, डिक्रीज होगी, और नीचे जाने पे क्या होगी, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगी, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या है, वो बढ़ते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो भैया डिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक लेड पेंसिल। कम ऑन, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना, ये जस्ट मैं तो कुछ कर नहीं सकता। देखो अब क्वेश्चन ही इतने आसान आएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन हटा दिए, उसके बावजूद भी ये बच गए हैं, राइट। सो प्लीज आंसर दिस, हरी अप ऑल ऑफ यू, एंड डू लाइक दिस सेशन बच्चो, दैट इज द ओनली वे यू कैन शो योर सपोर्ट टू अस, है ना। तो डू लाइक दिस एंड शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स, राइट। सो अरे बहुत अच्छा, मतलब ग्राफाइट है, ग्राफाइट की अच्छी बात क्या है ना, एक तो ये सॉफ्ट मेटल होता है, सॉफ्ट नॉन मेटल होता है, शाइनिंग होता है, और ये अकेला नॉन मेटल ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, कोवेलेंट कंपाउंड है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम मेटल को कहाँ पे स्टोर करना चाहिए, आपकी पॉकेट में कि पापा के पर्स में, है ना, जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे, ठीक है। और एक चीज याद रखना, चलो इसके साथ एक और ट्रिक आपके सामने आने वाली है, ट्रिक को रिसीव करने के लिए रेडी रहना, ठीक है। ये आपको किसी किताबों में नहीं मिलने वाला, ठीक है, ये विभव सर ने खुद बैठ के बनाए हैं। सो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दे दीजिए, केरोसिन ऑयल, वेरी गुड। तो बच्चों ये जो मेटल्स है ना, सोडियम, मैं इनको बोलता हूँ नकली, क्या बोलता हूँ मैं इन्हें, नकली, नकली मतलब नकली, ठीक है ना। सोडियम पोटेशियम और लिथियम बच्चों, है ना, सॉरी सोडियम पोटेशियम लिथियम मेटल्स, मेटल्स से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड, है ना, बहुत हार्ड होते हैं मेटल, सख्त होते हैं, लेकिन ये मेटल्स को बोलते हैं सॉफ्ट मेटल्स। ये इतने सॉफ्ट है दैट दे कैन बी कट विथ नाइफ, है ना, इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि द मोमेंट दे कम इन कॉन्टेक्ट विथ एयर और ऑक्सीजन, यू नो दे ब्लास्ट। ब्लास्ट क्यों होते हैं, क्योंकि जब भी ये ऑक्सीजन, जब भी ये वाटर से रिएक्ट करते हैं, है ना, क्या होता है, हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है, इसलिए ब्लास्ट देखा जाता है, ठीक है। सो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नकली आप लोग याद रखना, ये एक और ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। तो जिसको समझ में आया वो कमेंट में लिखो नकली, ठीक है ना, जल्दी से। ओके स्टार्ट अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन आल्सो, कोबाल्ट जो है किससे एसोसिएटेड है, ठीक है, जल्दी से नकली 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 ऐसे भर दो कमेंट में, बाहर आ जानी चाहिए ऐसे नकली नकली करके, इससे मुझे पता लगेगा कितना एंथुसियाज्म है बच्चों के पास, ठीक है ना। लाइफ में कोई भी इवेंट हो, ठीक है, कोई एग्जामिनेशन हो, कोई इंटरव्यू हो, कोई कुछ भी हो, जाना एकदम लॉयन हार्ट की तरह, ठीक है, बट उसके लिए प्रिपरेशन भी ऐसे करनी पड़ती है। सिंपल सी बात है, जब आप लोग प्रिपरेशन पूरी एंथुजियास्टिकली करोगे ना, तो आपका रिजल्ट भी एंथुजियास्ट, मतलब ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वन गेटिंग नर्वस एंड ऑल, ठीक है ना। तो कोबाल्ट विटामिन बी में पाया जाता है, कोबाल्ट, ठीक है ना। तो ये आप लोग थोड़ा ये देख सकते हो, ये विटामिन बी 12, क्योंकि कई बार बच्चों में ना विटामिन बी 12 की कमी पाई जाती है, तो ये सब चीजें जो है खाते रहना, ठीक है। चलो अगला क्या है, द हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर इज मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टर। सिंपल सी बात है, वो हैंडल किसका बना होता है, आप लोग इस ऑप्शन में देखिए और बताइए मेरे को। ओके हाँ, मेघानंद ने बोला कि इतना नकली कर दो कि चाइना भी शर्मा जाए बेटे। नहीं, नकली में तुम चाइना को बीट नहीं कर सकते बच्चों, है ना, ठीक है। कुछ चीजें उस कुछ चीजों में वही आगे रहेगा। चलो एनीवे बच्चों, सो या सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बेकिलाइट। ओके बेकिलाइट जो है इसका सही आंसर है, राइट। तो देखो जैसे मान लो ये डोसा है ना, सी ये डोसा है और ये इसका हैंडल है, तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान रख लेना कि जो डोसा का ये जो नॉन स्टिक कोटिंग होता है, दिस इज मेड अप ऑफ टेफलॉन। ओके
दिस इज मेड अप ऑफ टेफ्लॉन, ठीक है। और ये जो इसका हैंडल है, एकदम हाईली अच्छा हैंडल है, ये बना होता है बेकेलाइट से, ठीक है ना, ये बना होता है बेकेलाइट से। सो आपको पता है दो टाइप के हमारे पॉलीमर्स होते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर एंड थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर। तो प्लास्टिक वाला क्या होता है, गर्म करोगे तो पिघल जाएगा, टाइट करोगे तो एकदम से मतलब टाइट ही हो जाएगा। सो दोनों भी गलत है, राइट। सो यहाँ पे प्लीज ये चीज जरूर ध्यान रखना कि टेफ्लॉन कौन है, नॉन स्टिक वो जो पैन है वो टेफ्लॉन है, और वो जो हैंडल है दैट इज मेड अप ऑफ बेकेलाइट, राइट। सो ये देखो बेकेलाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपरली, राइट। या सो इट्स एन एक्सीलेंट इंसुलेटर है, जो बेकेलाइट है वो क्या है, वो एक एक्सीलेंट इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज फ्रॉम लैंड फिल्स एंड अर्बन गैसेस, ठीक है ना। जल्दी से इस गैस का भी नाम बताइए सो दैट वी कैन गो क्विकली, ठीक है ना। अभी वी हैव गॉट सो मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मीथेन, बच्चों, है ना। तो जो भी इनकी डिकम्पोजिशन होती है, मीथेन गैस रिलीज करते हैं। मीथेन गैस का ये आप लोग फॉर्मूला देख सकते हो, दैट इज CH4। इसको मैंने पहले ही बताया है, ये जो नेचुरल गैस होती है उसमें सबसे ज्यादा मीथेन पाई जाती है, जो बायोगैस है, जो गोबर गैस है ना। इनफैक्ट इसको हम लोग मार्श गैस भी बोलते हैं। मीथेन को क्या बोलते हैं हम लोग, मार्श गैस बोलते हैं। अब क्योंकि इसके लास्ट में एन आ रहा है, इसका मतलब ये क्या, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मीन्स इट विल अंडरगो कंप्लीट कम्बशन, ओके, देयर विल बी नो स्मोकी स्मोकी डिपोजिशंस, ठीक है। तो आप थोड़ा इस चीज का ध्यान रखेंगे, ओके। सो सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलेट्रोप ऑफ कार्बन, है ना। इसमें से कौन सी चीज कार्बन की एलेट्रोप नहीं है, ठीक है। सो आइडेंटिफाई दैट एंड टेल मी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बच्चों, कोल जो है एलेट्रॉप नहीं है कार्बन का, ठीक है ना। क्योंकि कोल जो है वो 100% कार्बन थोड़ी है, ठीक है ना। उसमें कार्बन होता है, बट उसमें कार्बन ही होता है, ये चीज गलत है, ठीक है। सो यहाँ पे ये रिजेक्ट हो चुका है कोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में डीगमिंग ऑफ न्यू मटेरियल इज, डीगमिंग मतलब उनके जो स्टिकी पार्ट है उसको रिमूव करना है। डी का मतलब ही क्या होता है, रिमूव करना, है ना। जैसे कंप्यूटर में क्या एरर को बग बोलते हैं, तो एरर रिमूव करने को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बग। डी का मतलब क्या होता है, रिमूव करना, है ना, किसी चीज को रिमूव करना, हटाना, ऐसा। सो हाउ डू वी डू दैट, दैट यू हैव टू फाइंड आउट हेयर, ओके। सो आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट, वेरी इजी क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है इसका कॉस्टिक सोडा, ठीक है ना। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaOH, ओके। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा विच यू हैव टू नो। राइट, नाउ हियर वी हैव गॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। ऑल राइट, सो बच्चों जो उसका सही आंसर है वो है लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑल्टीट्यूड सिकनेस का मतलब क्या होता है, जब आप ऊपर जाते हो तो ऊपर जाने से क्या होता है, हाइट बढ़ती है कि आपकी नहीं, है ना, आपके मतलब एलिवेशन की। और उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का रिड्यूस होता है, तो आप देख सकते हो कैसे कैसे ऊपर जा रहे हैं तो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है ना। देखो 100% ऑक्सीजन, 84%, ये देख रहे हो। सो जब ऑक्सीजन का वैल्यू कम हो जाता है, सो इट कॉजेस, पहले तो नॉजिएटिंग फीलिंग आती है ना, थोड़ा कॉन्शियसनेस भी पार्शियल रहता है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसीलिए जब हम प्लेन्स में ट्रैवल करते हैं ना, तो प्लेन्स बेसिकली ट्रैवल करती हैं 30,000 फीट के ऊपर, है ना, इतने इतने हाइट पे ट्रैवल करती है। तो वहाँ पे जो प्लेन होता है उसमें ये प्रेशर मेंटेन किया जाता है, ताकि आपको सांस लेने में कोई डिफिकल्टी ना हो, बिकॉज ऊपर जाने पे हाइट, है ना, इसको एनोक्सिया भी बोलते हैं। वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारी जो ह्यूमन बॉडी में है उसमें कौन सा एलिमेंट टॉप नंबर पे है,
ठीक है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और ये क्वेश्चन बताओ आया भी हुआ है। सो इन आवर बॉडी विच एलिमेंट, ओके, विच एलिमेंट कंपोजिशन इज द हाईएस्ट, ओके, सो लेट मी नो ऑफ दिस। सो जल्दी बताइए इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में आता है ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन बी, राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज राइट OCH, ठीक है ना, ओरिजिनल कॉफी हाउस। ये हमारी बॉडी के कंपोजिशन है, ये आप देख सकते हो बॉडी के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो 65%, ओके, देख रहे हो 50% से ज्यादा हमारे बॉडी में क्या पाया जा रहा है, कौन सा एलिमेंट पाया जा रहा है, ऑक्सीजन। कई सारे एलिमेंट्स हमारे बॉडी में आप देख सकते हो, सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, सल्फर, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ये सारे एलिमेंट्स भी है हमारे बॉडी में, ठीक है ना। बट इसमें टॉपर फर्स्ट रैंक किसको मिला है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब अच्छी बात क्या है कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है ना, जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसमें भी सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो ऑक्सीजन ही है, राइट। सो आई होप यू ऑल हैव सेलेक्टेड द करेक्ट आंसर, बट यहाँ पे मुझे नीरज कुमार का आंसर सही दिख रहा है, ठीक है ना। तो जल्दी से OCH याद रखना, ओरिजिनल कॉफी हाउस, ठीक है ना, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, OCH, ठीक है ना। आप अब इसको जल्दी से आप देखिए, अगला क्वेश्चन है जो मिथाइल, ये जो गैस है ना, मिथाइल आइसोसयानेट गैस, ठीक है। 1984 में आपको पता है भोपाल में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, आई थिंक 3 या 4 दिसंबर को हुई थी। तो एक जो कंपनी थी, जो हमारी यहाँ की थी नहीं लेकिन बर्बादी हमारे यहाँ ये लोग कर गए, है ना, आज भी लोग काफी परेशान है इस चीज को लेकर। सो बेसिकली वहाँ पे MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीकेज हुआ था। इसके ऊपर एक पिक्चर भी आई है, राजपाल यादव ने उसमें एक्ट किया है। तो बेसिकली वो केमिकल था क्या, मतलब किसके काम आता था, ये आपको बताना है उसमें, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओवर हियर इज पेस्टिसाइड, है ना, वो एक पेस्टिसाइड थी, राइट, पेस्ट किलर थी। साइड का मतलब होता है किलिंग, ठीक है ना, साइड का मतलब होता है किलिंग, तो पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट को मारने वाला, राइट। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, इसमें से कौन सा केमिकल चेंज को इंडिकेट करता है। देखो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज अच्छी तरह से पढ़ के जाना, ठीक है ना, कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो डोंट डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अच्छी तरह से। और अभी भी ये क्वेश्चन अगर आपको प्रॉपरली समझ में आ रहे हैं तो यू आर इन अ गुड पोजिशन, ओके। सो सही आंसर है बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है ना, बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज, ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज। तो ये आप देख सकते हो इतने सारे फिजिकल चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं, है ना, क्रशिंग, मेल्टिंग। देखो वर्ड से ही पता लगता है क्या फिजिकल है क्या केमिकल है। देखो जब ऐसे शब्द लिखे हो ना, क्रशिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, मिक्सिंग, ब्रेकिंग, सब्लिमेशन, मिक्सिंग, चॉपिंग, है ना, मतलब काट देना, बेंड कर देना, तोड़ देना, फोड़ देना, ये सब किस में आते हैं, फिजिकल चेंज में आते हैं, ठीक है ना। फिजिकल चेंजेस क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, मतलब सारी फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होती। अब तुम बोले सर टूथपेस्ट बाहर निकाल के फिर अंदर डाल के दिखाओ, है ना, तो सारी फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होती, बट मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, है ना। एंड उसमें क्या होता है कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। वेरस इफ वी टॉक अबाउट केमिकल चेंजेस, है ना, ये देखो आयरन का रस्ट होना, वुड का बर्न होना, मेटाबॉलिज्म, कुकिंग ऑफ एग, बेकिंग अ केक, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रोटलिंग ऑफ बनाना, विनेगर, फायरवर्क्स, केमिकल बैटरी, है ना, ये सारे जो है केमिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि इसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, एक न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो मतलब रिवर्सिबल नहीं है, राइट। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट ऑल दिस थिंग्स। एंड हेयर वी हैव गॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, हाइड्रोजन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे जो लिखी है वो सही नहीं है, ओके, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ओवर हेयर, राइट। सो जल्दी से इसका भी आंसर कीजिए आप। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन के आइसोटोप नहीं होते, ये स्टेटमेंट काफी गलत स्टेटमेंट है यहाँ पे, राइट।
क्यों गलत स्टेटमेंट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप होते ही हैं। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब मैंने आपको बताया था सेम, है ना। आइसो का मतलब होता है सेम, तो जिसके एटॉमिक नंबर सेम। देखो इसका भी एटॉमिक नंबर वन, एटॉमिक नंबर वन, एटॉमिक नंबर वन है, देखो 1 2 3। सो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, दैट्स वाई दिस हैज टू बी सेलेक्टेड। ओके, हेयर वी गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये 2 या 3 बार आ चुका है एनडीए सीटीएस में यही क्वेश्चन, ठीक है ना। कभी कभी ये इंडिविजुअल क्वेश्चन बन के भी आ जाता है, ठीक है ना। सो किसने कौन सा लॉ दिया था, इसकी भी क्लैरिटी आपको रहनी चाहिए। और इसमें यही बोला ना कि इसमें कई बार एलिमिनेशन भी लग जाता है, जो आपको काफी हेल्प करता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए बच्चों, ठीक है ना। जो जो बोलता है जॉन डेल्टन, जॉन डेल्टन है ना, जोसेफ प्राउस, एंटोनियो लेवोजियर और जोसेफ लुईस गे लुसैक, ठीक है ना। इन सबके लॉस आपको प्रॉपरली पता होने चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इनसे अलग अलग इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डायमंड, है ना। डायमंड को लेकर कौन सा जो स्टेटमेंट है सही नहीं है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड आंसर ओवर हेयर। ओके, एंड आई होप अभी तक किसी को ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम नहीं हुई है, यू आर एबल टू हेयर मी प्रॉपरली, राइट, एंड अंडरस्टैंड ऑल्सो प्रॉपरली। अगर आप अंडरस्टैंड भी कर रहे हो देन ऑल्सो यू कैन लेट मी नो, एंड यू कैन एनी टाइम यूज द चैट सेक्शन फॉर द क्वेश्चन विच आर रनिंग इन योर माइंड, ठीक है। ऑलराइट, सो इसमें जो सही आंसर है वो है कि डायमंड को एज अ लुब्रिकेंट हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, सो दिस ऑप्शन हैज टू बी सिलेक्टेड। बेसिकली ग्राफाइट को लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। सो ये आप लुब्रिकेंट क्या होता है, आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हो ना, तो उसमें वो जो स्ट्राइकर, हाँ जो स्ट्राइकर होता है वो, उसमें आप लोग पाउडर क्यों लगाते हो, लुब्रिकेशन करने के लिए, ताकि वो अच्छी तरह से फिसल सके, है ना। तो इसी तरह जो हमारी मशीन्स होते हैं ना, उसमें भी रोलिंग और मूविंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर उनको प्रॉपरली लुब्रिकेट नहीं किया, ठीक है ना, तो वो क्या होते हैं, उसमें वेयर और टीयर हो सकता है। इस चक्कर में हमको लुब्रिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ग्राफाइट का ऐसा लुब्रिकेट इस्तेमाल करने का ये फायदा है, क्योंकि ग्राफाइट क्या है, एक सॉलिड लुब्रिकेंट है, जिसका मतलब बहुत अच्छा लेवल पे टेम्परेचर को झेल कर सकता है। अगर मान लो आपने लिक्विड लुब्रिकेंट लिया, तो हो सकता हाई टेम्परेचर ऑफ मशीन की वजह से वो इवेपोरेट कर जाए या बॉइल कर जाए, है ना, इसलिए, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक्स रेस के बारे में है, आंसर दिस क्वेश्चन वेरी फास्ट। ओके ओके आयुष, नाउ वी विल बी गोइंग ऑन अ क्विक मोड, ओके, सिंस यू ऑल हैव गॉट एग्जामिनेशन ऑल्सो टुमोरो, सो वी विल जस्ट बी गोइंग क्विक, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एक्सरेज आर नाइदर डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट डिफ्लेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, राइट। हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मोस्टली सिलिका, है ना, कौन से चीजों में मोस्टली सिलिका पाया जाता है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज क्वार्ट्स, राइट। नाउ हेयर वी हैव गॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। इसमें से आपको हाईएस्ट और लोएस्ट क्वांटिटी के हिसाब से अरेंज करना है अपने अर्थ क्रस्ट में, है ना। अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको हाईएस्ट और लोएस्ट के हिसाब से अरेंज करना है, राइट। सो जल्दी से इसका, अभी मैंने जस्ट डिस्कशन कर रहा था, तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे ही दिया था। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर, जिन लोग को याद है फटाफट इसका आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है ना। अभी तक मुझे करेक्ट आंसर मिला नहीं, करेक्ट आंसर है इसका ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम, ठीक है ना। सबसे हाईएस्ट इसमें क्वांटिटी किसकी, ये आप टेबल दे सकते हो। इसको याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है OClF, ठीक है ना। जो टॉप 4 याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है, उसको बोलते हैं OClF, है ना। तो ये आप लोग प्लीज OClF याद रखना, ये अर्थ क्रस्ट का है। और हमारी बॉडी में भी सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, दैट इज ऑक्सीजन। ओके, इन अवर बॉडी ऑल्सो द एलिमेंट विच इज मोस्ट अबंडेंट इज ऑक्सीजन ओनली, ठीक है ना। सो आई होप यू कैन हैंडल दिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हेन अ पीस ऑफ प्योर सिलिकॉन इज डोप्ड विद एल्यूमिनियम, है ना। प्योर सिलिकॉन को जब एल्यूमिनियम से डोप करते हैं, तब आपको बताना है कि कंडक्टिविटी को क्या होता है, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग हेयर, ओके, एंड कम ऑन हरी अप एवरीवन, ओके। वी हैव गॉट सो मेनी क्वेश्चंस कमिंग इन, सो आप लोग एक एक करके जस्ट पुट इट, एंड इफ यू गॉट एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज मार्क इट हेयर, ओके, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओवर हेयर इज ऑप्शन सी, ओके। द डोप सिलिकॉन पीस विल बिकम पी टाइप, है ना। डोप सिलिकॉन पीस क्या बन जाएगा, पी टाइप बन जाएगा। यहाँ पे क्यों बन जाएगा, देखो यहाँ पे सिलिकॉन का आपको पता है सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। अब इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एल्यूमिनियम के तो 3 ही कंबाइन कर पाएंगे, है
है ना। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन का कम होना मतलब कौन सा चार्ज होना, पॉजिटिव चार्ज होना। तो एक तरह से ये किसके तरफ हो जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, है ना। ये कौन से सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये, क्योंकि जो नेचुरली जो सेमीकंडक्टर्स आते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन हम क्या है उसमें दूसरे एलिमेंट को डोप करके मिक्स करके उन्हें कंडक्ट करवा सकते हैं। तो उसके हिसाब से एन टाइप और पी टाइप होता है, राइट। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन फ्रॉम एसिड बेस। देखो बच्चों, एसिड बेस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब हर साल मैं देख रहा हूँ हर बार एसिड बेस पे क्वेश्चन आते ही हैं, और पिछली बार तो 3-4 क्वेश्चन होगा, ठीक है। सो जल्दी आप लोग इसका भी आंसर कीजिए कि पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर कितना होगा, ठीक है ना। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज पीएच, वाटर बेटा न्यूट्रल होता है ना। सो दैट विल बी नियर टू 7, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, है ना। एलिमेंट की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसके लिए यूनिक है, उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करती है, राइट। दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई हियर, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, एटॉमिक नंबर, जिसको आप लोग जेड से दिखाते हुए देख रहे हो, यही तो है एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। ये सॉरी, ये तो एटॉमिक मास है, इसको हम लोग ए से दिखाते हैं, इसको हम लोग जेड से दिखाते हैं। बेसिकली एटॉमिक नंबर बताती क्या है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट में कितने प्रोटॉन है। अब जैसे मान लो कार्बन में 6 प्रोटॉन है, तो पूरी दुनिया में सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके 6 प्रोटॉन हो सकते हैं, इसके अलावा ये पोजिशन उसकी कोई और नहीं ले सकता है, ठीक है ना। नो वन एल्स कैन टेक दिस पोजिशन ऑफ कार्बन, ठीक है। तो दैट्स वाई एटॉमिक नंबर जो होता है एक एलिमेंट का आधार कार्ड की तरह होता है, राइट। नाउ वी हैव गॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू एलिमेंट्स, ओके, एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक नंबर 18, मास ऑफ द बोथ एलिमेंट इज 40। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर दो एलिमेंट के मास सेम है तो आप उन्हें कैसे बोलोगे, है ना। मतलब व्हाट इज द टर्म्स यूज फॉर देम, कौन से टर्म्स आप उसको यूज करेंगे, और हम इसी को प्रॉपरली समझेंगे, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आइसोबार, है ना। बेसिकली मान लो कोई दो एलिमेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कैल्शियम की और आर्गन की, है ना। अब कैल्शियम आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, लेकिन दोनों के ही अगर आप देखोगे तो मास क्या है, दोनों के मास 40 है यहाँ पे, राइट। दोनों के मास यहाँ पे 40 है। तो इस चक्कर में क्योंकि मास सेम है, सो आइसो बार, क्योंकि अगर आप इसको याद करने का बहुत अच्छा सा ट्रिक ये है, देखो कि जब हम आइसोबार लिखते हैं, ओके, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन व्हेन यू राइट आइसोबार एक्चुअली। तो आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, मैंने पहले ही बता चुका है, आइसो का मतलब होता है सेम। और इसमें जो ये ए है, ठीक है ना, ये जो ए है ये मास नंबर, आपको पता है ये ए मास नंबर का सिंबल होता है, ठीक है ना। सो क्या कॉन्स्टेंट होगा, सेम मास, इस तरह से आप याद कर सकते हो, सेम प्रोटोन मतलब आइसोटोप, ठीक है। चलिए, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल जो है जे.जे. थॉमसन ने दिया था, राइट। सो दैट यू हैव टू आंसर हियर। सर मैंने सीडीएस आईएफए प्रेफरेंस दिया था, फिर आईएफए क्या होता है, आईएमए होगा मेरे ख्याल से, एनीवे करेक्ट इट। हाँ, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, है ना। 46 ग्राम ऑफ सोडियम के टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, वेरी इजी क्वेश्चन, मेरे ख्याल से रिसेंटली आस्क क्वेश्चंस है ना। रविंद्र, यस, जीके में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आती है, सो यू हैव टू अपियर फॉर दैट, ओके। सो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर देखो सिंपल सी बात है, 46 मास है और 26 को ऐसे मास होता है, दोनों कट करके आपको 2 आएगा, तो यहाँ पे 2n लिखा हुआ है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब याद रखना, ये नकली आपको मैंने बताए थे, है ना, ये तीनों को एक साथ ही याद रखना है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, राइट। सो हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन, एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, दैट यू हैव टू आंसर हेयर, ओके। सो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन नाउ ऑल ऑफ यू। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कि केमिकल प्रॉपर्टी पूरी तरह से डिपेंड करती है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन, शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको हम लोग बेसिकली बोलते क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
है ना। अब सिंपल सी बात है, जैसे सोडियम है उसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम उसको मेटल बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा। वेरस इफ यू टॉक ऑफ क्लोरीन, उसमें लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 7 को 7 लूज तो करेगा नहीं, वो क्या करेगा, एक गेन करेगा, इसलिए उसका चार्ज -1 हो जाता है, इसका चार्ज क्या होता है, +1 हो जाता है। सो दैट्स वाई एलिमेंट्स अपनी अपनी टेंडेंसी के हिसाब से गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स को करता है, ठीक है ना। जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो मेटल कहलाता है, जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नॉन मेटल कहलाता है, ठीक है। सो दिस ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर इन योर माइंड, ओके। सो हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू बेबी सिंड्रोम बेसिकली किसके चक्कर में कॉज होती है, वॉट इज द रीजन फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम, ओके। सो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, सो ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द कंटामिनेशन ऑफ नाइट्रेट, ओके। बेबी का ब्लड जो है ना थोड़ा डीऑक्सीजनेट हो जाता है, तो ब्लड जब डीऑक्सीजनेट होता है तो ब्लू कलर देखने को मिलता है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई उस बेबी डिजीज को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम। सो डू वी नीड टू क्लियर मैक्स सेक्शनल कट ऑफ टू बी कंसिडर्ड, यस। मैथ्स का जो एग्जाम है वो अलग से आपको क्लियर करना होगा, अदरवाइज नो मैटर, इवन इफ यू आर पास इन द जनरल स्टडीज सेक्शन यू वॉन्ट बी कंसिडर्ड फॉर द कॉल अप लेटर, ओके। राइट, सो पर्ल इज अ वेरी हार्ड ऑब्जेक्ट, ओके। सो बेसिकली वो उसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है पर्ल का, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। राइट, सो हेयर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। सो कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोलते हैं, मार्बल स्टोन्स भी बोलते हैं, जो बिल्डिंग का जो लेयर होता है ताजमहल का वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, जो एग का शेल है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, जो चौक पीस है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बना है ना। तो आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, राइट। सो दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड टू परफॉर्म वेल, ओके। सो जल्दी से जल्दी इसका इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। आप लोगों ने देखा हो आजकल तो हर बिल्डिंग में जो फॉल्स सेलिंग बन रही है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बन रही है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ओके। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये कैल्शियम सल्फेट का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। दिस यू हैव टू टेक केयर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट, बहुत जल्दी से इसका आंसर देना है। बायोगैस दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके। व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, प्लीज राइट हियर, ओके। हाँ मैक्स नहीं कंसिडर होता ओटीए के लिए, दैट इज ट्रू, ओके। राइट, तो ये क्वेश्चन है, ये आपका बी, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, दिस आर द टॉप टू गैसेस, ओके। दिस आर द टॉप टू गैसेस, राइट। नाउ हेयर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कार्बन क्रेडिट इज एक्सेप्टेड इक्विवेलेंट टू, एक कार्बन क्रेडिट कितने के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई, है ना। आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के चक्कर में जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एटमोसफेयर पे रिलीज कर रहे हैं उसके ऊपर चेक करने का काफी एम्फेसिस दिया है ना यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने, राइट। सो बेसिकली उन्होंने ऐसे कार्बन क्रेडिट वाली सिस्टम रखी है, सो दैट यू आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द अमाउंट ऑफ कार्बन यू आर रिलीजिंग, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ओके। 1000 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इज दैट क्लियर, 1000 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सो दैट वॉज डन इन द क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। अ क्रेडिट फॉर रिड्यूसिंग, मतलब एक एक बंदे को क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट फॉर रिड्यूसिंग 1 ton ऑफ CO2 विच इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके। हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इमल्शन क्या होते हैं, यू हैव टू राइट हियर, ओके। व्हाट आर इमल्शंस, एंड कोलाइड सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन पे भी क्वेश्चंस आते ही हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं, और ये अपना कोलाइड सस्पेंशन, होमोजेनियस हेटरोजेनियस मिक्सचर, ओके, एलॉयज,
अलॉयज क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, सो दे आर डेफिनेटली यू नो मतलब आते ही रहते हैं क्वेश्चन, फिर से मैं बोल रहा हूँ है ना, अलॉयज हो गए, ओर्स हो गए, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटरोजीनियस मिक्सचर, कोलॉइड, सस्पेंशन, एसिड बेस सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस, है ना, इनसे क्वेश्चन कल आने ही है ना, सो आप इनकी प्रॉपरली रिविजन करके जाना, राइट. सो वेन वी हैव टू लिक्विड बेसिकली दे फॉर्म एन इमल्शन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट. यू ऑल कैन सी दिस वेरी क्लियरली, राइट. सो बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, जैसे मिल्क भी एक इमल्शन होता है, ठीक है, ऐसा ये ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन होता है, और जो बटर ये भी एक इमल्शन होता है, ये होता है वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन. तो ये दोनों अलग अलग टाइप के इमल्शन से जो हमको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, राइट. सो हेयर ऑप्शन सी वॉज करेक्ट. सो ज्योति, धनंजय, जन्नत, विनय, शिखा, ओके, एंड देवनाथ एंड सेजल हैज गिवन करेक्ट, जतिन ऑल्सो यू आर करेक्ट, ओके. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर इज डन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस, ओके. सो प्रेशर कितना अप्लाई करना पड़ता है वो आपको बताना है, वेरी इजी क्वेश्चन, ओके. ऑब्वियसली प्रेशर आपको ज्यादा ही अप्लाई करना पड़ेगा, लार्जर देन दी ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके. सो एनी टाइम इफ यू वांट टू प्रिपेयर, ओके, एक टाइम आप जिंदगी में अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो डू डाउनलोड एसएसबी कैक एग्जाम्स, एंड वी हैव गॉट ऑल द टॉपिक्स कवर्ड व्हिच आर यू नो आस्क्ड इन डिफेंस एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन वी हैव गॉट मॉक टेस्ट, रैंक एनालिसिस, सो मेनी थिंग्स टू हेल्प यू क्रैक दिस एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट. हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स डज नॉट कंटेन ग्लूकोज यूनिट, है ना, इनमें से कौन से पॉलीमर यूनिट्स में ग्लूकोज नहीं पाया जाता, ओके, क्योंकि बाकी आप देखोगे कई कई उसमें ग्लूकोज के सब यूनिट्स हैं. सो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, हरी अप एंड आंसर दिस क्वेश्चन वेरी फास्ट. सो करेक्ट आंसर है बच्चों रबर, है ना, रबर बेसिकली आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है, रबर इज द पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ठीक है. बाकी ये जो ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज, है ना, ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज, ये सब में क्या है, ग्लूकोज के यूनिट्स, ये पॉलीसैकेराइड्स की कैटेगरी में आते हैं. हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंचर ऑफ आयोडीन जो कि एक एंटीसेप्टिक है, ये किसका डायल्यूट सोल्यूशन होता है, किसका नहीं होता है बेसिकली, ओके, जल्दी बताइए, ओके, आंसर दिस क्वेश्चन वेरी फास्ट, राइट. सो उसमें बेसिकली एसीटोन नहीं होता, उसमें पोटेशियम आयोडाइड हो सकता है जिससे हमको आयोडीन मिलेगा, उसमें अल्कोहल हो सकता है सोल्यूशन बनाने के लिए, और वाटर भी हो सकता है, बट उसमें एसीटोन नहीं होता है, ठीक है. सो ऑप्शन बी वॉज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके. नाउ अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन नाउ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज एज अ टाइम कीपर इन अटोमिक क्लॉक्स, है ना, कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है एज अ टाइम कीपर, मतलब टाइम को मेजर करने में प्रॉपरली एटॉमिक क्लॉक्स में, तो बताइए इसका आंसर. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सीजियम, है ना, यही वो मेटल है जो एटॉमिक क्लॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, राइट. नेक्स्ट, कौन सी गैस डिजॉल्व इन वाटर, ओके, एसिडिक सोल्यूशन दे देती है, ये मेरे ख्याल से 2022 के ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. सो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन वेरी फास्ट एंड डू लाइक दिस सेशन, ओके. आज तो मतलब ये क्वेश्चंस आप डेफिनेटली देख के ही जाना, यू रियली वांट टू परफॉर्म वेल टुमारो फॉर केमिस्ट्री एंड बायो क्वेश्चंस, ओके. सो नेवर मिस ऑन क्वेश्चंस लाइक दिस, राइट. हजार पन्ने पढ़ने से अच्छा है ये क्वेश्चंस पढ़ के जाना या ये सेशन देख के जाना, कम से कम डबल स्पीड में, डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. सो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर. जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड तो स्टोर करके रखते हैं ये लोग, राइट. हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ,
Okay, which one of the following element is essential for the formation of chlorophyll in plants? Okay, so basically जैसे ब्लड का सेंट्रल मेटल क्या होता है, आयरन होता है, ऐसे क्लोरोफिल में भी एक सेंट्रल मेटल पाया जाता है, उसका नाम आपको यहाँ पे बताना है, यू हैव टू नेम दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज मैग्नीशियम, है ना। यहाँ पे आप प्रॉपरली देख सकते हैं लो मैग्नीशियम और हाई मैग्नीशियम, है ना, एडिक्वेट मैग्नीशियम से कितना फर्क पड़ जाता है यहाँ पे, सी दिस। सो आई होप दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर टू यू। ओके, सो हेयर द करेक्ट आंसर इज मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, जल्दी से इसको बस बैलेंस करना है इस क्वेश्चन को। ओके, देखिए इस बार ये 2022 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं मेरे ख्याल से। ओके, हाँ यस, दैट ओनली। सो देखो बैलेंसिंग भी आ सकता है एग्जाम में, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, राइट। सो जल्दी से इसको बैलेंस कीजिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ओके, 1323 ये इसका कोड होगा, राइट। और बड़ी आसानी से इसको बैलेंस किया जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे आपने क्या देखा, Fe2 है तो आप यहाँ पे 2 लगा देंगे तो Fe बराबर हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 4 है, तो आप पहले यहाँ पे 2 लगाएंगे, लेकिन इससे क्या गड़बड़ जाएगी यहाँ पे, तो आपको 3 लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 लगाना पड़ेगा। सो बेसिकली इट बिकम्स 1323 जो कि सही आंसर है, राइट। नाउ हेयर इज द नेक्स्ट टेम्परेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू, कौन सी वैल्यू है जो टेम्परेचर और सेल्सियस के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करती है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। ओके, सो आई गिव यू 10 सेकेंड्स, आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट सो दैट वी कैन मूव अहेड। ओके, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सो ये रहा इसका सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी, 273.15, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ हियर यू हैव गॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फोटोग्राफर की जो फ्लैश गन होती है उसमें कौन सा नोबल गैस का प्रेजेंस रहता है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड आंसर। ओके, विच गैस इज प्रेजेंट देयर, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ज़ेनॉन गैस, है ना। ज़ेनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं, क्योंकि जब जब आई थी इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। सो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन कि ज़ेनॉन गैस को क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्ट्रेंजर गैस, ठीक है। Xe इसका सिंबल है, नोबल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पररी हार्डनेस। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर। ओके, तो एज यू नो कि जो हमारा जो वाटर होता है ना, वो कभी कभी हार्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट इन इट। ओके, मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो सॉल्ट होते हैं वो पानी को हार्ड बना देते हैं। हार्ड मतलब कि जैसे आप लोग वॉशरूम में नहाते हैं तो जो शावर लगा होता है ना, वो कभी कभी जैसा नया में इतना अच्छा चलता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपका देखते हैं वो स्टक होता रहता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ दोज सॉल्ट, है ना। उन सॉल्ट के स्टक होने के चक्कर में यू एक्सपीरियंस दैट फिनोमिनन। ओके, सो इसका सही आंसर है 1 एंड 2, मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं ये टेम्पररी हार्डनेस इम्पार्ट करते हैं, और इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं कैसे, बॉइलिंग से। जब हम बॉइल करते हैं तो ये बेसिकली बाइकार्बोनेट्स डिसॉल्व होते हैं वाटर में और सेपरेट हो जाते हैं, तो गर्म पानी से ही टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, एंड हेयर आई सी, ओके, आयु सिंह के, देन वी हैव काजल, शिखा, ज्योति, ओके, धनंजय, वेल डन। ओके, सो यू ऑल हैव गिवन द करेक्ट आंसर, राइट। सो हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोबार ऑफ कैल्शियम, इफ द एटॉमिक नंबर है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, वो तो पता भी होना चाहिए आपको, 20 दिया हुआ है, मास 40 है, तो आइसोबार क्या मतलब, मास सेम होना चाहिए उसका, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन डी है इसमें 18 और 20 मिला के क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, ठीक है ना। बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट 40, ठीक है ना, 1840, और कैल्शियम ये देखो 40। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये भी 20 है
और ये भी दोनों ही 20 है, तो आइसोबार का मतलब ही क्या है, सेम मास होना, है ना। आइसोबार का मतलब होता है सेम मास होना, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी वॉज दी करेक्ट ऑप्शन, राइट। हेयर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू रिएक्टेंट्स इन अ फ्लास्क एट रूम टेम्परेचर, वो एक गैस का बबल प्रोड्यूस करते हैं जो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करती है। बच्चों एक ही गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करती है, तो रिएक्टेंट्स क्या हो सकते हैं ये पूछा है। तो रिएक्टेंट्स में बेसिकली कार्बोनेट होना बहुत जरूरी है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। क्योंकि इसका रिएक्शन कैसे होगा ये आप रिएक्शन देख सकते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट देगा, वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे देगा, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, आई होप, है ना। ये ध्यान रखना, देखो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना, जो कि पॉपकॉर्न प्रोड्यूस करती है। और हाइड्रोजन आपको पता है मोस्ट अबंडेंट गैस ऑफ द यूनिवर्स है, कलरलेस, ऑडियोलेस, स्टेट टेस्टलेस है, ठीक है। बाकी व्हेन यू टॉक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड की दो खासियत याद रखना। हाँ, ये गैस भी कलरलेस, ऑडियोलेस है, टेस्टलेस है, बट ये दिस गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, ये स्लेट लाइम है। जब इसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी तो ये व्हाइट कलर यहाँ पे अपियर होता है, ठीक है ना। ये व्हाइट कलर यहाँ पे अपियर होता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द अपियरेंस ऑफ मिल्कीनेस, राइट। तो आप थोड़ा ये इसको ध्यान रखिए अपने माइंड में, राइट। सो वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ बच्चों, ओके। रिएक्शन बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ओके। आप अभी मैंने आपको बता ही रहा था, तो आपको प्रॉपरली इसको आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, हर हर मेटल हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल सकती, ठीक है ना। जो गैस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, ओनली दैट गैस विल बी एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है ना। अगर कोई मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव ही नहीं है तो वो कैसे रिप्लेस कर सकती है हाइड्रोजन को उसके सोल्यूशन से, है ना। तो दैट इज नॉट लॉजिकल एट ऑल, राइट। सो यहाँ पे सही आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रो एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सो मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। और प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि या ये एंडोथर्मिक, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, एंड एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, सो दैट यू हैव टू आंसर हियर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन टू हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड, ये चारों गैसेस है ना, यहाँ पे देखो ए बी सी और ये डी, है ना। चार गैसेस यहाँ पे आपको दिख रहे थे, इन सब में कॉमन क्या है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड आंसर ओवर हियर, ओके। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, ये सारी गैसेस क्या होती हैं, दीज ऑल गैसेस आर, सॉरी दे आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, है ना। ये कोई भी लिक्विड फॉर्म में नहीं पाई जाती है सच, राइट। सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, ओके। एंड हेयर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ पे पूछा गया है, ओके। एंड वेरी गुड फॉर राइटिंग सुकन्या, सुकन्या देन पाइथोनिक गाय, प्रीति भंडारी, जन्नत, आयुष, यू ऑल हैव गिवन द करेक्ट आंसर। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। और सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं उनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, है ना। जैसे ये मीथेन है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH4। इथेन है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C2H6। इसका होगा C3H8। इन सब में क्या रहा है, एन एन एन, इसका मतलब क्या है, ये सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसका मतलब दे अंडर गो कंप्लीट कम्बशन, ठीक है ना। ये कोई भी सूटी डिपोजिशन नहीं देते। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, इक्विवेलेंट वेट पता करना है बैरियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है ना। आपको बैरियम का मास ऑलरेडी दे रखा है, तो सबसे पहले आप बैरियम हाइड्रोक्साइड का मास पता करो कि कितना आएगा, ठीक है ना। इसके बाद उसको आपको जो भी मास, सपोज करो एक्स मास आता है, तो उसको इक्विवेलेंट मास के लिए आपको डिवाइड बाय टू करना पड़ेगा, क्योंकि बैरियम का चार्ज यहाँ पे प्लस टू है, जो भी उसका चार्ज है उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो अभी मैंने आपको ऑलरेडी स्टेप बता दिया है। फर्स्ट स्टेप क्या है, बैरियम हाइड्रोक्साइड का मास पता करो। सेकेंड, इक्विवेलेंट वेट में क्या करते हैं, जो भी उसका चार्ज है उसके मॉलिकुलर मास को उससे डिवाइड कर देना है, ओके। नाउ सिंस यू हैव गॉट द स्टेप, आई एम एक्सपेक्टिंग करेक्ट आंसर्स, ओके। सो लेट आई कैन ऑल्सो वेट, बट प्लीज, है ना, गिव द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट मी सी हु गिव्स द फर्स्ट करेक्ट आंसर हियर।
ओके देखते हैं, राइट। ओके सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। और लेट मी सी, यहाँ एक ही लड़की है, हर नेम इज प्रीति। ओके सो शी हैज गिवन करेक्ट। सो बच्चों प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट हर। ओके शी हैज गिवन इट करेक्ट, रेस्ट ऑल आर स्ट्रगलिंग, राइट। सो 85.7 इज द करेक्ट आंसर। देखो बैरियम हाइड्रोक्साइड का जो मास आता है 171.3 आता है, और मोल फैक्टर इसमें 2 होगा क्योंकि बैरियम का चार्ज क्या है, +2 है। सो 85.57 हो जाएगा वो मास को 2 से डिवाइड करने के बाद। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन ऑक्साइड हैज गॉट दी हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, है ना। इन सब में देखो नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट निकल रही है। सो किस में नाइट्रोजन किस इसमें से किस चीज में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हाइएस्ट है। ओके सो दैट यू हैव टू फाइंड आउट एन आंसर। ओके और इसमें भी बहुत लॉजिकल आंसर देखने को मिल रहा है, राइट। सो इसमें देखो क्या देखना है, इसमें भी ओ फाइव यहाँ दिख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इसका ऑक्सीजन स्टेट बढ़ेगा। सो N2O5 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन से ग्रुप में फंक्शनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, दैट यू हैव टू अटेम्प्ट यहाँ पे। यस पाइथोनिक गाय यू हैव ऑल्सो गिवन द करेक्ट आंसर, राइट। एनीवे बहुत अच्छा आंसर था ये। अल्काइल हैलाइड्स में आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं, इसका मतलब क्या, देखो अब जो अल्कोहल है तो अल्कोहल को आर ओ एच भी लिख सकते हैं, या आर ओ आर इथर भी बना सकते हैं, तो इसमें क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो रहा है। सिमिलरली अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड अपन लिखते हैं आर सी एच ओ, और ये एक तरह से आर सी ओ ओ आर डैश, है ना, तो ये कीटोन और अल्डिहाइड भी बन जाते हैं। सिमिलरली साइनाइड्स को आप लोग आर सी एन भी लिख सकते हैं और आर एन सी भी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि इन तीनों में, है ना, वन टू और थ्री, तीनों में फंक्शनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है और अल्काइल हैलाइड में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ बाप रे, हाँ बना ही हुआ था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे कीटोन और अल्डिहाइड फंक्शनल आइसोम शो कर रहे हैं, अल्कोहल और इथर फंक्शनल आइसोम शो कर रहे हैं, है ना, इसी तरह साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी शो करते हैं। लेकिन जो अपना ये होते हैं हेलो अल्केन्स होते हैं, या ये अपने हेलो कंपाउंड होते हैं, ये नहीं है ना। हाँ जन्नत, इसमें थोड़े अभी 11th 12th के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट डोंट वरी, ये बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं सीडीएस के। आप द ट्रेंड इज मोस्टली दे आर आस्किंग 9th एंड 12th। सो जन्नत घबराने की जरूरत नहीं है, आप बॉल तुम्हारे कोर्ट में है, क्योंकि 9th और 10th के मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। ये ट्रेंड थोड़ा बदला है ना एग्जामिनेशंस पूछने में, और इसका फायदा जरूर उठाना। अब तो मुझे एक क्वेश्चन भी नहीं दिखता है 11th 12th का जो इस लेवल का है, राइट। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप 9th और 10th आउटलीस्ट ये सेशन का रिवीजन करके जाना, यू विल डू वेल। ओके सो मोनोमर पूछा गया है यहाँ पे, ये पॉलीमर का क्वेश्चन है क्लास 12th, ठीक है। नायलॉन्स इसका मोनोमर मोनोमर पूछा गया है, ठीक है। मोनोमर बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो पॉलीथीन है, ठीक है, जिनको नहीं पता मैं उनको बस बता रहा हूँ कि जो पॉलीथीन है, तो इसको पॉलीथीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस चीज में जो इथीन है ना, इथीन ये एन नंबर ऑफ टाइम्स का रिपीट किया गया, तो हमने क्या बोल दिया, इसको पॉलीथीन बोल दिया है, ठीक है। सो इसमें सही आंसर क्या है, ये है कैप्रोलैक्टम, ठीक है। कैप्रोलैक्टम ही मोनोमर है, मतलब जब आपने कैप्रोलैक्टम को बार 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 जब रिपीट किया, तो जब जाके वो क्या बन गया, वो बन गया नायलॉन 6, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। व्हेन हॉट वाटर इज प्लेस्ड इनटू एम्प्टी वाटर बॉटल, बॉटल कीप्स इट शेप, डज नॉट सॉफ्टन, ठीक है ना। व्हाट टाइप ऑफ प्लास्टिक इज दिस, ठीक है ना। अगर बॉटल शेप चेंज नहीं कर रहा है तो बच्चों वो थर्मोसेटिन पॉलीमर होगा, ये तो बताने की, मतलब ये तो पूछने की बात नहीं है। ओके स्विच सॉकेट कुकर का हैंडल ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, थर्मो सेटिंग पॉलीमर में, ठीक है ना। मतलब जो एक बार केमिकल रिएक्शन के थ्रू सेट हो गए तो हो गए, ठीक है ना, वापस अपना ये शेप चेंज नहीं करेंगे। सो आई होप यू रिमेम्बर ऑल दिस एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे पूछी गई है, तो पहले आपको PCl5 का क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये देखो क्लोरीन 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 क्लोरीन, आप क्या करोगे यहाँ पे लिख दो
एस, ये देखो पी वन, ये हो जाएगा पी टू, ये हो जाएगा पी थ्री, है ना, और ये हो जाएगा डी। तो क्या हो गया इसका, एस पी थ्री डी, ये हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। देखो डी एस पी थ्री लिख दिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, बट ये सही आंसर है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सब का ज्योमेट्री पूछा गया है ना, दे आर आस्किंग ज्योमेट्री ऑफ एवरी वन। तो चलो हम एक दो तो ट्राई कर ही सकते हैं। चलो एन एच थ्री का देखो, आप सबको पता है एन एच थ्री का जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह से बनता है, ये एक लोन पेयर होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एस, ये हो जाएगा पी वन, ये हो जाएगा पी टू, ये हो जाएगा पी थ्री, ये टेट्राहेड्रल शेप है इसका, है ना, टेट्राहेड्रल। तो एक तरह से अमोनिया कहाँ पे जा रहा है, टेट्राहेड्रल में जा रहा है। सी एच थ्री एफ अगर देखोगे आप तो सी एच थ्री एफ कैसे बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ठीक है ना, सी एच थ्री एफ। सो इस तरह से आप लोग को प्रॉपरली यहाँ पे बना के, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है ना, दैट इज 2143, राइट। सो ये आप सबके शेप तक देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। ये देखो ये लीनियर बन रहा है यहाँ पे, मतलब 180 डिग्री इसमें होगा, ठीक है, ये 107 डिग्री, ये वाटर, ये सी एच थ्री। ओके नाउ हेयर इज अनदर क्वेश्चन। चलिए अब थोड़ा 11, 12 के क्वेश्चंस कम हुए, अब हम मतलब इसका मतलब अब हम 2020 ऐसे टाइप के पास बढ़ रहे हैं, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी आर प्रोसीडिंग। ओके सो गाइस लेट्स ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन आल्सो। नाउ मोनो एटॉमिक कौन होता है, ठीक है ना, तो एम फॉर मेटल और एम फॉर मोनो एटॉमिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेटल आपको कौन दिख रहा है, कोई नहीं, तो मतलब मेटल के अलावा भी कोई मोनो एटॉमिक होता है, वो होते हैं नोबल गैसेस, ठीक है ना, वो हमारी नोबल गैसेस होती है। सो मेटल्स एंड नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक, ठीक है, ये मोनो एटॉमिक होती हैं, राइट। सो ये हमने यहाँ पे कर दिया, हीलियम इज मोनो एटॉमिक, ये हमने डी ऑप्शन को कर दिया। तो प्लीज आप लोग ये थोड़ा याद रखना कि जो मेटल्स होते हैं, राइट, जो हमारे मेटल्स होते हैं दे आर मोनो एटॉमिक, राइट। तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, ऐसे माइंड में नहीं जाएगा, है ना, मेटल्स एंड नोबल गैसेस दे आर मोनो एटॉमिक, ठीक है, लिखो तभी माइंड में जाएगा, नहीं तो भाग जाएगा, ठीक है। माइंड का काम ही होता है, जब तक उसको टेम्प्रेरी से परमानेंट मेमोरी में नहीं डालोगे तब तक वो उड़ जाएगा। अभी अंडरस्टैंडिंग इज वन थिंग, कीपिंग दैट इन योर ब्रेन इज अनदर थिंग। ओके हेलो प्रतीक, ठीक है। ओके सो वी आर ऑल्सो हैविंग एन अरेंजमेंट ऑफ ऑनलाइन एस एस बी कोर्सेस, सो एनी टाइम, ओके, वंस यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन वी आर हेयर टू वेलकम यू बैक विथ ऑल अवर एस एस बी कोर्स प्रिपरेशन। ओके एंड हेयर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सोप सोल्यूशन इज यूज फॉर क्लीनिंग पर्पज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप मिसल्स आर, है ना, सोप मिसल्स बेसिकली करते क्या है, दैट यू हैव टू राइट। ओके हेलो टू रोहन एज वेल। ओके सो हेयर इज द करेक्ट आंसर, वो लाइट को स्कैटर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम जा रहे हैं, पीपल वाई दे वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, वेरी इजी क्वेश्चन, इसका तो मैं ही बता देता हूँ, दे आर गुड ऑब्जर्वर्स ऑफ वाटर, ठीक है, दे आर गुड ऑब्जर्वर्स ऑफ वाटर, दैट्स वाई दे आर, यू नो लाइक दे आर गुड फॉर समर सीजन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स मास। ये किसने बोला था कि एटॉमिक मैटर जो है इसको आप लोग ज़्यादा सीरियसली लो, ठीक है ना, तो वो साइंटिस्ट थे यूनाइटेड किंगडम के, हेनरी मॉसले, ठीक है ना, सबसे स्मार्ट साइंटिस्ट देखने में, ठीक है ना, एकदम देख सकते हो, एक बार डिमिट्री मेंडलीव को देखो और एक बार इसको देखो, ठीक है। चलो एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ इवापरेशन किससे बढ़ता है, ओके हाउ डज द रेट ऑफ इवापरेशन इंक्रीज, दैट यू हैव टू आंसर। एंड जितने लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे, डू लाइक दिस एंड शेयर दिस सेशन टू एवरीवन, दैट इज द ओनली वे यू कैन शो योर सपोर्ट, एंड डू वॉच इट अगेन। अगर आपने पहला कुछ मिस कर दिया तो आप वापस करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया,
ठीक है ना, सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ इवापरेशन बढ़ता है। आपने खुद ही देखा होगा, मम्मी जब कपड़े धो के सुखाने जाती है तो फैला फैला के सुखाती है। तो फैला फैला के क्यों सुखा रही है मम्मी? ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ सके और इवापरेशन का रेट जल्दी हो, ताकि कपड़े जल्दी सूखे, नहीं तो रात को गीले में सोना पड़ेगा, ठीक है ना। और ऐसे देखो, चाय पीने का भी यही कॉन्सेप्ट है। कई बार चाय बहुत ही गर्म होती है ना, तो जो एजेड लोग होते हैं बोलते हैं कि मुझे तो चाय प्लेट में चाहिए, है ना, मैं कप में नहीं पीऊंगा। क्यों? क्योंकि प्लेट में चाय डाल के वो उसका सरफेस एरिया है ना, उस प्लेट का सरफेस एरिया बढ़ाता है, और इससे चाय का इवापरेशन बहुत ही फास्ट होता है। सो रेट ऑफ इवापरेशन जो है वो किससे बढ़ता है? सरफेस एरिया के बढ़ने से बढ़ता है, विंड स्पीड के बढ़ने से बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है, और ह्यूमिडिटी में वो घटता है बच्चों, ठीक है ना। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो चलो बच्चों, रेट ऑफ इवापरेशन किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है ना। अब रेट ऑफ इवापरेशन, आपका नाम तो लिखा है नहीं यहाँ पे ऑप्शनों में, है ना, अभी अभी ये बस रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट। सो इसका सही आंसर होगा वो मास पे डिपेंड नहीं करता। हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जल्दी जल्दी से पढ़ो ये सारे स्टेटमेंट, ठीक है ना, रीड इट वेरी वेरी फास्ट ऑल ऑफ यू, ओके। सो सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन बी, आइसोबार में एटॉमिक नंबर थोड़ी सेम होता है ना। मैंने क्या बताया है, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम सेम होता है, ठीक है ना, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम सेम होता है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बच्चों, ठीक है ना। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो, आइसो का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। तो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं मेनली, एक होता है आइसोटोप, एक होता है आइसोटोन, और एक होता है आइसोबार, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बार बार आ रहा है, इसलिए मैंने ये स्पेशली आप लोग के लिए बनाया है, ठीक है ना। अब इसमें मैंने आइसो को बताया सेम, तो आइसोटोप में सेम क्या होता है? प्रोटोन सेम होता है ना। यहाँ पे देखो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर अलग होगा, मतलब एक ही एलिमेंट के भाई बहन एक तरह से, है ना। तो ये हो गया आइसोटोप। अब आइसोबार में क्या होता है? ए सेम होता है। ए का मतलब क्या होता है? मास नंबर, है ना, ए का मतलब मास नंबर से होता है। देखो, इसमें मास सेम है, इसमें मास सेम है, इसलिए आइसोबार सेम मास। और आइसोटोन में देखो, एन की तरफ ध्यान देना, तो इसमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं। देखो, 8 - 16 अगेन न्यूट्रॉन 8, है ना, 15 - 7 अगेन न्यूट्रॉन 8, 14 - 6 अगेन न्यूट्रॉन इज 8 है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, आई होप दैट इज क्लियर टू यू, ठीक है ना। इसमें आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का आप यहाँ पे देखो, राइट, ट्राई टू सी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है ये बेसिकली, विच यू हैव टू आंसर, ठीक है ना। आयुष, हाइड्रोजन का जो ट्रिटियम वाला होता है ना, ट्रिटियम आइसोटोप, दैट इज रेडियो एक्टिव, ओके। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, एंड यू हैव ऑलरेडी गॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है वो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है, ठीक है ना। इट इज नथिंग बट द, इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना। तो इसमें जो बोस है, ये इंडियन साइंटिस्ट का नाम है, उसका सत्येंद्र नाथ बोस था, उसने काम किया था, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो जो रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, तो उससे किसकी डिस्कवरी हुई थी? ओके, व्हाट इट लेट, व्हाट लेट टू द डिस्कवरी ऑफ, है ना, लाइक एज अ रिजल्ट व्हाट वाज डिस्कवर्ड, राइट। सो दैट वाज एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये जे जे थॉम्सन के स्टूडेंट थे, ठीक है ना। जे जे थॉम्सन के स्टूडेंट कौन थे? रदरफोर्ड थे। उन्होंने किसकी डिस्कवरी की? एटॉमिक न्यूक्लियस की, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक हो जाते हैं क्यों? ओके, ऑब्वियसली द रीजन, मेन रीजन इज कोरोजन, है ना, सिल्वर टार्निश हो जाता है। तो बट प्रॉब्लम क्या है कि बेसिकली क्या कंपाउंड बनता है वहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है जानने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, ओके। सो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू, हरी अप। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिल्वर जो है एटमोसफेयर के सल्फर के साथ रिएक्ट करके, है ना, एक सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग बना लेता है।
ठीक है ना, तो ये वाला इसमें मैटर चलता है। सो आई होप दैट दैट इज अंडरस्टूड टू यू, राइट। इसलिए वो सिल्वर के आर्टिकल्स जो है वो ब्लैक हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कॉपर सल्फेट को हम लोग ब्लू विट्रियॉल भी बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज नोन एज ब्लू विट्रियॉल, सो दिस ऑल्सो यू कीप इन योर माइंड, ठीक है, इसका भी आप लोग ध्यान रखिए। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इसमें पांच वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए कॉपर सल्फेट का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दांडी मार्च कर रहे थे, जल्दी से इसका क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर चाहिए। आई विल वेट फॉर 10 सेकंड्स एंड देन आई वॉन्ट द आंसर हियर, ओके, ज्यादा नहीं। ऑल राइट, सो इसका जो सही आंसर है वो है सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। उन्होंने सॉल्ट लॉ तोड़ा था, और सॉल्ट का फॉर्मूला आजकल क्या है, NaCl, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, ओके। सो आई थिंक दिस एक्सरे का क्वेश्चन ऑलरेडी यू नो, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जो है ये स्टेटमेंट इसकी गलत है, क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा था कि दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड, दे आर नाइदर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर दे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, है ना, दोनों से ही ये डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, राइट। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे बॉडी में, हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है, ओके। सो ये भी वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। ये जो तुम पिज्जा, मोमोज, बर्गर, चाउमीन, मैगी खा लेते हो ना, ठीक है, तो पचाने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो HCl, ठीक है, इसके नाम पे एक कंप्यूटर की कंपनी भी है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें अगला क्वेश्चन जो है कि अगर किसी सब्सटेंस का pH 0 है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, बताओ। ये अब देखो, ये लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले जो क्वेश्चन आपको डिप्रेशन में डाल रहे थे वो 11th 12th के बहुत पहले आते थे। अब क्वेश्चंस का जो मुख है ना, मतलब जो ट्रेंड है, वो 9th और 10th क्लास के क्वेश्चंस की तरफ ही हो चुका है, ठीक है ना। So, इसका आंसर है हाईली एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है। ये आप देख सकते हो, एक साइंटिस्ट था, उनका नाम था पीएच, सॉरी उनका नाम था सोरेनसन, जिन्होंने पीएच पेपर बनाया था। तो अलग अलग लेवल्स ऑफ एसिडिक और बेसिक नेचर पे अलग अलग कलर उसमें हमें ऑब्टेन होता था, ठीक है। सो दैट वी हैव टू रिमेम्बर प्रॉपरली, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब ट्रिक इसमें यही है कि बेसिकली जो मेटल हाईली रिएक्टिव है वही लो रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे देखो, कोई शाना बन रहा होगा, कोई मेटल अपने से बड़े वाले को रिप्लेस करने की सोच रहा था, तो उसको आपको पहचानना है कि कौन सा मेटल इसमें शाना बन रहा है अपना, ठीक है ना, अपने पिताजी को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो मेटल ऊपर है वो सुपर है, तो आपको यहाँ पे देखना है कौन रूल तोड़ रहा है, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताओ, ठीक है, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज, ये रहा रूल तोड़ू एलिमेंट, ठीक है ना। कॉपर ने सोचा कि वो टॉपर है, लेकिन वो तो ड्रॉपर निकला, ठीक है, क्योंकि कॉपर जो है लेड को रिप्लेस नहीं कर सकता बच्चों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप ध्यान से देखो तो लेड बच्चों ऊपर है, इसलिए वो सुपर है, ठीक है ना। कॉपर यहाँ पे क्या बन गया, ड्रॉपर। सो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसको लेकर, प्रॉपर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज भी आप लोग प्रॉपरली याद करके रखना, और सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हेयर यू हैव गॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे हमारे बच्चों को आइसोबार, आइसोटोप, आइसो सब कुछ समझ में आ गया है ना। आपको ट्रिक बता दिया, सब कुछ बता दिया। आइसोबार बोल रहा है मतलब सेम मास देखो ना, कहाँ पे सेम मास है, सेम मास देखो और उसको टिक की दे के आगे बढ़ो जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे सेम मास आपको कहाँ मिला, है ना। ये बहुत फेमस एग्जांपल्स है, मतलब कभी भी क्लास में टीचर पढ़ाता है ना आइसोटोप के बारे में, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको कैल्शियम और आर्गोन का ही निकाल के रखेगा, मतलब मास, ठीक है ना। 2018, वेरी फेमस आइसोबार्स, ठीक है। चलो, सो ऑप्शन डी वॉज दी करेक्ट ऑप्शन ओवर हेयर, राइट। हेयर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। सारे बड़े बड़े आसान है, ठीक है ना। चलो एक मैं करके देता हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर होता है, तो वो एक एंटॉक्साइड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एसिटिक एसिड अचार में आता है, प्रिजर्वेटिव की तरह, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी आप लोग भी करो, सारा मेहनत ही करवाओगे और मेरे पर भरोसा मत करना। जन्नत तभी तो
क्लास समझ ले ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 40-45 मिनट्स और चलेगी, बिकॉज अभी बायो के क्वेश्चन केमिस्ट्री क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं, बायो के चालू होने वाले। डोंट वरी, आफ्टर सम टाइम वी विल जस्ट सी द क्वेश्चन, वी विल वेट एंड यू विल गेट द आंसर, है ना? सो दैट आई नो यू ऑल्सो हैव योर एग्जामिनेशन टुमोरो, सो डेफिनेटली। ठीक है, वैसे खत्म तो ये 9 बजे तक होनी चाहिए थी, बट लेट मी सी इफ आई कैन फिनिश इट अर्ली, राइट? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ठीक है ना, तो यहाँ पे सब ने प्रीति, धनंजय, दृष्टि, आदर्शा, शिखा, ओके, यू ऑल हैव रिटन करेक्ट, ओके, और सबका एग्जाम है ही भाई, कल पता ही है। चलो अगला मैच द फॉलोइंग, ठीक है ना, आज तो मैच मेकिंग चल रही है यहाँ पे। ओके, सो फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन ए, है ना? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सो ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे चला गया, बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो यहाँ चला गया, वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और स्लेट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, तो इसका ट्रिक बनता है, मतलब क्या बनता है, 4 फिर देन 1, 4 1 2 3, ठीक है ना, तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बन इलेक्ट्रॉप, आपको कार्बन इलेक्ट्रॉप इसमें आइडेंटिफाई करना है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, हाँ क्लास चल रही मम्मी, कॉल करो। ओके गाइस, सो यहाँ पे सिर्फ ग्राफाइट ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बाकी सब लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते और ना ही कभी कर सकेंगे। ओके, चलिए। सो कार्बन का परसेंटेज, ये बड़ा ही मतलब मेरे को भी सरप्राइज कर दिया था यूपीएससी वालों ने, कि मतलब इतना फैक्चुअल पूछ लिया था कि कार्बन का परसेंटेज क्या है अर्थ पे, है ना? देखो न्यूटन की कहानी सुन के ये पूछना सही है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है ना, क्योंकि न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा था। आपको ये पूछ दे कि जब न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा था उस टाइम पे एप्पल का भाव क्या चल रहा था, तो ये होते हैं अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, खैर कौन से, हमको सारे क्वेश्चन सही करते हैं करने हैं। ठीक है, चलिए। सो आंसर है इसका 0.025। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो उसका परसेंटेज लगभग 0.04 है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो आप ये सब आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों, सो वी हैव गॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर करो, क्योंकि नाउ आप लोग चाह रहे हो कि अगर ये जल्दी खत्म हो तो आपको जल्दी इसे रिप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो बच्चों इसका सही आंसर है कॉपर कार्बोनेट। मैंने बताया ना, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये पहले इस तरह की स्टैचू ऑफ लिबर्टी की डीपी पहले ऐसी होती थी, है ना, लेकिन अब अपडेट होके ऐसी हो गई। ठीक है ना, कौन सा क्रीम लगाया, इसने क्रीम लगाया है कॉपर कार्बोनेट का। ठीक है, तो बेसिकली जो कॉपर होता है, जब ये एटमोसफेयर के कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है, तो एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है, जिसके चक्कर में ग्रीन कलर की कोटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, सो दैट यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का बिफोर आफ्टर देख लेना, ठीक है ना, इसका आधार कार्ड में भी अपडेट करना पड़ेगा। चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स इनटू हीटिंग ओर्स? ठीक है ना, सो आप लोगों को ये तो पता है ही सही कि हम लोग मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं ओर्स को, ताकि आराम से उनका ऑक्सीजन निकाल के प्रोसेस किया जा सके। तो इसके लिए दो प्रोसेस होती है, एक तो होती है कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन, सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट ओर्स, है ना, और ये इसका आंसर है रोस्टिंग। ठीक है ना, रोस्टिंग में क्या है, सल्फाइड ओर से को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ये देखो, ये जिंक सल्फाइड है, इसको हमने प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया, ठीक है ना, सो ये होता है जिंक ऑक्साइड। हालांकि रोस्टिंग का केमिकल मतलब तो यही है कि सल्फाइड ओर से ना किसी भी मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, बट आजकल रोस्टिंग का मतलब ही कुछ अलग हो गया है। ठीक है, चलिए बच्चों, अरे बाप रे, इसका तो इतनी बार मेरे ख्याल से 2 एग्जाम में एक ही साल में सोल्डर का अलॉय पूछा था, है ना, मे बी ये सोल्जर के साथ मैच करता है, इसलिए यूपीएससी वालों ने भावना में आके पूछ लिया। ठीक है, एनीवे,
आप लोग इसका जल्दी बताइए। सोल देखो इसका ट्रिक भी बहुत अच्छा है, पहले मैं इसका आंसर बता दूं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो अच्छे सोल्जर मतलब, तो अब बस ट्रिक के लिए है ना कि पंजाब से बहुत अच्छे सोल्जर, पंजाब के बेटे बहुत अच्छे सोल्जर होते हैं। सो पंजाब के सन अच्छे क्या होते हैं, सोल्जर। तो इस तरह से ये बस एक ट्रिक है जिससे आप लोग याद कर सकते हो कि पंजाब के जो सन्स होते हैं बहुत ही अच्छे सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। सो प्लीज रिटर्न, पीबी और एसएन मिलके क्या बनाते हैं, सोल्डर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अलॉयस है जो कई बार पूछते हैं, ठीक है ना। ब्रास, ब्रॉन्ज और स्टील, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आप अपने माइंड में रखिए, ठीक है ना, सो दैट यू रिमेम्बर इट फॉर लॉन्गर टाइम बच्चों। ओके नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। बताओ ये रिएक्टिविटी सीरीज फिर चेक करने आ गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें आपको अगर रिएक्टिविटी, इफ यू नो द रिएक्टिविटी सीरीज, ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना। तो वैसी बात है, होशियारी कि इसमें देखो रिएक्टिविटी सीरीज से भी क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, राइट। एंड आई होप यू आर लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज, देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, ठीक है ना। तो ये इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस ज़ेब्रा इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, ठीक है। इससे आप लोग याद कर सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अगेन जो एलिमेंट ऊपर है वो सुपर है, जो नीचे है वो, ठीक है ना, वो लेस रिएक्टिव है। तो दिस हेल्प्स इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल, राइट। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। एंट स्टिंग, बी स्टिंग, नेटल स्टिंग, इन सब में एक ही एसिड पाया जाता है, वो एसिड आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके आंसर करना है। सो हरी अप ऑल ऑफ यू एंड आंसर दिस क्वेश्चन क्विकली। चलिए तो सही आंसर है इसका मिथेनोइक एसिड, है ना, जिसका फॉर्मूला है HCOOH, राइट। सो नेटल स्टिंग में यही होता है, और इसी के पास में एक प्लांट उगता है, उसको बोलते हैं डॉग प्लांट, ठीक है, जिससे इसको हम लोग न्यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स एंड देन यू हैव टू कमेंट अकॉर्डिंगली, ठीक है, कि क्या सारे बेसिस अल्कली होते हैं, क्या सारे अल्कली डिजॉल्व होते हैं वाटर में, है ना। जस्ट दे आर ट्राइंग टू कंफ्यूज, अगर आपको पता है कि अल्कली और बेस में फर्क क्या है, ठीक है ना, देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी नाइसली। ओके सो प्लीज पुट अप योर, जल्दी से अपना ऑप्शन यहाँ पे लिखो और लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू डू इट करेक्ट। ओके सो सही आंसर है इसमें, सिर्फ सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है इसमें, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्यों गलत है, इसमें लिखा कि सारे बेसिस अल्कली होते हैं, इसका मतलब क्या सारे बेसिस पानी में सॉल्युबल होते हैं, नहीं, देयर आर सर्टेन बेसिस विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ओके सो दैट्स वाई इस चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। फर्टिलाइजर्स आर यूज टू ऑब्टेन हाई यील्ड्स ऑफ ओके क्रॉप्स, तो इसमें फर्टिलाइजर में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। हाँ जन्नत, 5 दिन तुम सोना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी तो तुम्हें खूब मेहनत करनी है। मेक श्योर योर टूडेज नाइट इज स्लीपलेस सो दैट यू परफॉर्म वेल टुमारो। ओके सो बच्चों सही आंसर है आयरन। देखो जो हमारा फर्टिलाइजर होता है उसमें मेनली ये 3 एलिमेंट ही पाए जाते हैं, एन, पी और के, ठीक है ना, ये मेन एलिमेंट्स है, ठीक है, नापाक, ठीक है ना, तुम्हारे नापाक इरादे इस फर्टिलाइजर में निकल के आ रहे हैं, तो याद रखना नापाक। वैसे बहुत सारे ट्रिक्स बन सकते हैं, आप तो अभी इसको यही रखो, राइट। सो आयरन को आपको आउट करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, फोटोसिंथेसिस की, अगर कंबशन की अगर आपको रिएक्शन पता है ग्लूकोज की, तो जस्ट उसके नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए हैं, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, ओनली इफ यू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस यू विल रियलाइज कितना इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ गुड आयुष, जो आयरन है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। हाँ सोनी पिक्चर्स इंडिया मैक्स को क्वालिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एक तरह से ना समझ लो, मतलब एक तरह से मैक्स को क्वालिफाई करोगे और जीएस को क्वालिफाई करोगे तो ही, है ना, दोनों के सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करोगे तो ही क्लियर होगा, ठीक है ना। क्वालिफाई
कोई एक चीज से नहीं होने वाला है इसमें काम, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज 6, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने ऑक्सीजन के 6 मोल्स लिए हैं, राइट। हेयर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथेनोइक एसिड किस में पाया जाता है, अभी मैं बता ही रहा था, सो नो नीड टू डिस्कस, इट इज फाउंड इन एंट स्टिंग। देखो कितनी बार पूछ चुका है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स इन हीलियम, ठीक है ना। 104 ग्राम हीलियम में कितने मोल्स होते हैं, इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है यहाँ पे, 104, ठीक है ना, और मोलर मास कितना होता है हीलियम का, 4 होता है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर दैट इज 26, है ना, 26 इसका आंसर आपको मिलेगा, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ठीक है। अब ऐसे कोई और एलिमेंट भी दे सकते हो, तो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनके मास आपको याद रहने चाहिए, ठीक है ना। वहां आपको कोई पीरियोडिक टेबल नहीं देगा, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल बर्निंग हाइड्रोकार्बन फ्यूज इफ यू सी येल्लो फ्लेम, ठीक है ना, अगर कोई चीज जल रही है और येल्लो फ्लेम जल रही है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, कि वो कंप्लीट कंबशन नहीं है ना, कंप्लीट कंबशन अंडरगो नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है, राइट। सो दैट इज द रीजन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सेन में कितने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स होते हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब मैं तो एक ट्रिक बस बता सकता हूँ, देखो इसमें एन लिखा है तो कोई अनसैचुरेशन तो हो ही नहीं सकती, है ना, तो ये ए और सी में कोई एक आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। सोनी पिक्चर्स एटलीस्ट 40%, अगर आप क्वेश्चन 45% क्वेश्चन सही करते हो तो यार गुड टू गो, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा हेक्सेन, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने हेक्सेन बना दिया यहाँ पे, और आप काउंट कर सकते हो, टोटल आपको 18 कोवलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। यू विल सी टोटल 18 है दिस सिंगल बॉन्ड्स। आई होप दैट ऑल्सो मेक सम सेंस टू यू। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन नॉन मेटल्स आर डिजॉल्व इन वाटर। अभी आपको बताया था मैंने, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होंगे, एसिडिक होंगे, ओके राइट। सो द करेक्ट आंसर इज एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। सो ये मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए ये है अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर एसिड रेन, है ना, एसिड रेन का मेन रीजन क्या होता है, दैट यू हैव टू राइट हियर, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो बेसिकली ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन, क्योंकि बेसिकली आप लोग दो चीज़ें एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं, एक आपका गाड़ी चलाना जहाँ से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आ रहे हैं, और एक इंडस्ट्रीज का दिन रात चलना जहाँ पे सल्फर के ऑक्साइड्स आ रहे हैं। तो सल्फर के ऑक्साइड्स क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाते हैं नाइट्रिक एसिड्स, ठीक है। सो इस तरह से जब ये प्रेसिपिटेट डाउन करते हैं, सो बेसिकली वी सी, व्हाट डू वी सी एसिड रेन हैपनिंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द बायो क्वेश्चन, ठीक है ना। अब लास्ट वी हैव 50 क्वेश्चन ऑफ बायो क्वेश्चन, अब ये हम थोड़ा रैपिड राउंड टाइप का करेंगे। आई विल शो यू द क्वेश्चन, आई विल वेट फॉर सम टाइम, देन आई विल डिस्प्ले दी आंसर्स, ओके। सो आई होप यू आर रेडी फॉर दिस थिंग, ठीक है ना। तो फटाफट अभी हम लोग बायो के क्वेश्चन जो है करने वाले हैं ना, होपफुली बाई 8:15 वी विल बी एबल टू फिनिश, राइट। सो लेट मी नो अभी भी आपका जोश हाई है कि नहीं है, कौन लेथार्जिक फील कर रहा है, ओके आराम से, मतलब बस ऐसे करो, ठीक है, और एक बार खड़े होके बैठो, आराम से ये 50 क्वेश्चन लगाओ और जाओ, ओके। सो वी आर स्टार्टिंग विद द बायो सेक्शन, इस क्वेश्चन का आंसर जो है द ऑप्शन ए, ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है, राइट। चलिए नेक्स्ट बायो क्वेश्चन, एटीपी, एटीपी सिंथेसाइजिंग केमिकल रिएक्शन किस में, एटीपी सिंथेसिस किस में होती है, दैट यू हैव टू आंसर, राइट। सो एटीपी सिंथेसिस होती है बेसिकली इनर मेम्ब्रेन में, ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स आर फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ, किसकी इनर लाइनिंग में स्क्वामस एपिथेलियल पाया जाता है, ओके। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बच्चों और ईसोफेगस, ठीक है, आपके फूड पाइप है, यहाँ पे इनर लाइनिंग पाई जाती है स्क्वामस एपिथेलियल सेल की, ओके। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टमैटिक सेल्स इनटू स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यूज अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ, ओके। जल्दी से इसका आंसर करिए।
लेट मी सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस फॉर मी। ओके, सब अपना जोश हाई दिखा रहे हैं। हाई सर, हाई सर, हाई सर। ओहो, ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। राइट, देन वी हैव, चलिए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेल डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल वॉल किसमें प्रेजेंट नहीं होता है? ओके, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट। वेरी इजी क्वेश्चन, बताओ। ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, है ना, और हम में से कोई छोड़ के भी आएगा जिसने प्रॉपरली रिविजन नहीं किया। बच्चों, ह्यूमंस में सेल वॉल नहीं होते, ठीक है ना। हमारे यहाँ बाउंड्री वॉल होती है कंट्रियों में, ठीक है ना, और हम ले दे के लड़ते रहते हैं, ठीक है। मेरा जमीन, मेरा जमीन। विच सेल ऑर्गेनिज्म हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स? किसके पास खुद का, है ना, डीएनए और राइबोसोम्स होता है? दैट यू हैव टू आंसर हियर, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड रिसीव्स अ टॉल ब्यूटीफुल प्लांट एज अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम हर फादर, ठीक है। फादर आस्क्ड हर हाउ शी कुड वेरीफाई वेदर द प्लांट वॉज प्रोजेनी ऑफ बोथ टॉल पेरेंट्स और वन टॉल वन शॉर्ट, है ना। सो शी कैन ऑलवेज वेरीफाई इट थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। चलिए, सो ऑप्शन बी वॉज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट ऑप्शन इज अगेन, स्टूडेंट वॉज डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑफ सेल डिवीजन। बताओ उसे क्या लेना चाहिए ताकि वो सेल डिवीजन को प्रॉपरली ऑब्जर्व कर पाए, ठीक है ना। सो टू ऑब्जर्व सेल डिवीजन प्रॉपरली, ही और सी शुड टेक साइटोकिनिंस, ठीक है ना, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ प्लांट हार्मोन्स दैट प्रमोट्स सेल डिवीजन, ठीक है ना। सो बेसिकली इससे वो प्रॉपरली ऑब्जर्व कर पाएगा, ठीक है ना, अगर हम उसके सुपरवाइजर होते तो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? ऐसी कौन सी चीज़ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को खूब मतलब डिफाइन करती है कि भैया वो व्यक्ति जीवित है? तो वो है बेसिकली मेटाबॉलिज्म, ठीक है। चलिए, विच आर द फॉलोइंग ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, है ना, इसमें से कौन से ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ होते हैं, ठीक है ना। सो इसका सही आंसर क्या है? इंक्रीज इन मास एंड नंबर, राइट। सो आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू। नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस हम में ही है, हमें ही पता हो रहा है कि हमारे साथ सही हो रहा है कि गलत हो रहा है ना। लाइक करना है कि कमेंट करना है हम ही बता सकते हैं, जानवर थोड़ी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, व्हाट आर द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है ना, बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी क्या होते हैं? सो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। ऑल दिस आर पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोएस्ट टैक्सोनॉमिक टैक्सोनी, ठीक है ना, सबसे लोएस्ट क्लासिफिकेशन जो होती है अपने टैक्सोनॉमी में, उसका आपको यहाँ पे नाम बताना है। ओके, सो कम ऑन, हरी अप एवरीवन, हरी अप। ओके, राइट। सो सही आंसर है इसका स्पीशीज, दिस इज द लोएस्ट बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट एंड ह्यूमन, यहाँ पे उनको रखा जाता है, उस जगह का आपको नाम बताना है बेसिकली, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज जूस। चलो, टेक्सोनॉमिकल एड यूज, ओके, आंसर दिस क्वेश्चन नाउ। ठीक है, और नेट नहीं खत्म हो गया था, मेरा जो छोटा भाई उसने साइड से नेटफ्लिक्स खोल लिया था, ठीक है, और उसकी स्ट्रीमिंग के लिए मुझे दूसरे वाईफाई में स्विच करना पड़ा। एनीवे, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, टिग्रीना, ठीक है ना, दैट इज द स्पेसिफिक एपिथेट। चलिए, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन सिंथेसिस यू हैव टू आइडेंटिफाई ओवर हियर? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज कैरेक्टराइजेशन, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? ओके, सो दैट यू हैव टू आंसर, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज फाइव किंगडम। ओके, चलिए, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन मार्शी एरियाज? मार्शी एरियाज में कौन पाए जाते हैं? दैट यू हैव टू राइट।
सो द करेक्ट आंसर इज मिथानोजन्स, है ना। देखो ये कितना मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री रिलेटेड है। मार्शी एरियाज में मिथानोजन्स पाया जाता है जो डिकम्पोज और प्रोसेसेस करके क्या रिलीज करते हैं, मीथेन गैस को रिलीज करते हैं जिसका फॉर्मूला CH4 है, जिसको आप बायोगैस, नेचुरल गैस, गोबर गैस बोलते हैं। और इसका नाम क्या है, क्योंकि ये मार्शी एरिया से निकला है इसलिए हम लोग इसको मार्श गैस भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम लोग इसको मार्श गैस भी बोलते हैं, ठीक है। जन्नत ये STK का क्या फुल फॉर्म है। एनीवे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव वैस्कुलर टिश्यूज। इज इट रियली बफरिंग नाउ, आई थिंक आई डिड रिजॉल्व दैट, लेट मी सी हाउ कैन दिस हैपन नाउ। ओके, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मार्सिलिया। ओके लेट मी चेक माई नेटवर्क अगेन बच्चों, इज इट बफरिंग अगेन फॉर यू गाइस और इज इट ऑल राइट नाउ, लेट मी नो। ओके सो इफ यू कैन सी द क्वेश्चंस प्लीज स्टार्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चन ऑल्सो, द स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। ओके सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन सी। ओके बिकॉज एल्गेस आर फाउंड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स लाइक फ्रेश वाटर, मैरीन, बॉय स्टोन, सॉइल्स एंड। ओके आई होप इफ आई थिंक इज इट ऑडिबल टू यू और नॉट, देर वॉज सम नेटवर्क इशू, लेट मी नो इफ यू आर एबल टू हेयर मी प्रॉपरली और नॉट। हेलो हेलो, यस सर, सर वाईफाई तो प्रॉपर चल रहा है इसमें, एक्सीलेंट कनेक्शन भी दिखा रहा है बट फिर भी वहाँ शो नहीं कर रहा। हाँ इट्स शोइंग, आई विल सेंड स्क्रीनशॉट वंस, इट्स शोइंग एक्सीलेंट कनेक्शन बट आई एम नॉट एबल टू सी द स्ट्रीमिंग हैपनिंग। क्या चेंज किया? हाँ यस चेंज किया, तभी तो उसमें आ रहा था अभी तक। ऑलराइट एवरीवन, आई थिंक देयर वाज सम ग्लिच बट नाउ आई थिंक इट्स वर्किंग, जस्ट लेट मी नो इफ माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू और नॉट सो दैट वी कैन कंटिन्यू।
Okay, is the voice audible? Can you all hear me? Let me know. Okay, so I'll just display the answer of this question which was being flashed, right? So the answer of this was haploid. Okay, so gametophytes of sexually reproducing flowering plants are haploids, right? So here we have the next question. Marsilea, fawn, horseless are examples of which one of the following plant groups? Okay, so let me know if my audio and video is clear to you all or not. That is one thing I want to know. So before I continue, yes, Ravi Sharma, you have written correct. Diploid in Solomon cells, right? Okay, so the correct answer for this question is Petrividophyta. Okay, phyta basically means plants only there, right? So option A is the correct option here, and you can all start commenting your answers. I can get that you're able to get response from my side, right? So here we have got the next question. Okay, hurry up, answer it fast. Right, so the correct answer for this question is option A, Mercentia. Right, here we have got the next question. Which one of the following body parts or organs human body does not have smooth muscles? Okay, so just identify which one of the following is it: uterus, iris of eye, bronchi of the lungs, or the biceps. Okay, where you don't find smooth muscles, that option has to be identified over here. Okay, so quickly identify that option now. Right, so the correct option is biceps. Okay, they are not having smooth muscles, right? They are basically striated, stripped skeletal muscle fibers which are bundled together in parallel fashion, right? So here we have got the next question. Which one of the following types of connective tissue animal fat gets stored? Okay, where the animal fats gets stored, that you have to answer here. Okay, so quickly answer so that we can finish. Okay, we will be covering all the questions, but you will have to be faster in terms of your response so that we can cover all, right? So it is very well known question. Adipocytes are the location where the animal fats get stored, right? Next, viroids differ from viruses in terms of having what? Okay, so the correct answer for this question is they have RNA without capsid. Okay, next question. The main difference between gram positive and gram negative lies in? Okay, so please answer that question. Right, so the correct answer for this question is cell wall. Right, next. The agents are responsible for mad cow disease transmission. Which particular pathogen is responsible for mad cow disease? You have to identify. So the correct answer for this is prions. Okay, these are infectious proteinaceous agents which are responsible for causing bovine spongiform. Okay, BSE basically. Okay, which is also known as the mad cow disease, right? Here we go to the next question. Which one of the following groups are included under kingdom of Protista? Okay, so identify which one of the following groups are included under kingdom of Protista. The correct answer of this is all of the above. Okay, here is the next question. Which one is extensively used for the genetic work, है ना? अब इसका क्वेश्चन का आंसर इसके नाम में ही है. अगर आप नाम से भी थोड़ा रिलेट कर पाओ, देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज द ऑप्शन सी, न्यूरोस्पोरा. ठीक है, एक फंगी किंगडम को बिलोंग करते हैं, एंड जितने भी बायोलॉजिकल और ये जेनेटिकल रिसर्च होती है इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है. सो डू रिमेम्बर दिस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर. Right, we move on to the next question. Which one of the following do not grow in polluted areas? ठीक है ना, lichens, diatoms or both of them? Okay, so the question is, the answer is both A and B. Right, so next is
Please answer this question first. Okay, so the correct answer for this question is option B, right? So next, again, we have got this question, which one of the following are endoparasites? Okay, which one of the following are endoparasites? You have to identify. So you know there are saprophytes there, and there are parasites. And parasites also we have got two categories, endo and exo. So you have to identify the endoparasites over here, right? So the correct answer for this question is Plasmodium. Okay, it's an endoparasite, and you should also remember that it causes malaria, right? Next, Bentham and Hooker's classification is also called as what? The correct answer for this is it is also known as phenetic classification. Okay, next question is phylogenetic classification of flowering plants was proposed by. Okay, so who proposed phylogenetic classification of flowering plants? The correct answer for this question is Arthur Cronquist. Now here is the next question. Prokaryotic unicellular organisms, okay, are included under which kingdom? Okay, so basically ये जो prokaryotic organisms हैं, ये किस kingdom में आते हैं? Right, that you have to identify. So the correct answer for this question is Monera. Right, next question we go. The network of hyphae is known as what? The network of hyphae is known as what? If Please answer this question as soon as possible. So the correct answer is option C, mycelium. Right? Next question is which one of the following regarding viruses is not true? Okay? And it's very obvious question, okay, which has been asked in the previous year question. Very, very much obvious is that viruses cannot synthesize their food through photosynthesis. हालांकि हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हम किसी होस्ट सेल को नहीं ढूंढते वायरसेस की तरह, ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स हैव ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स किस में पाए जाते हैं? We have 8 questions left now. Okay, so we will quickly finish them all. So the correct answer for this question is Monera and Protista. Here is the next question. Cell wall of any fungus is different from plants in having dash. Okay. Again, the correct answer for this question is chitin. Next, malarial parasite is a protozoan. Okay, it's a protozoan again related to this. What do you say? Mosquitoes only, right? Next, which one of the following organism is dependent upon saprophytic mode of nutrition? Okay, as I told, there are two types of modes of nutrition: parasitic, saprophytic. Okay, so basically, parasites survive on the living species, and saprophytic they survive on the dead species. So you have to identify the saprophytic mode of nutrition here. The correct answer is Agaricus, which you also okay. This shows saprophytic mode of nutrition, right? Now, next question is which one of the following statements explain the higher mutation rates and faster evolution in RNA viruses? What is the main reason for that? You have to identify. Okay, so the correct answer for this question is option A. RNA is relatively unstable compared to DNA. Okay, next question. AIDS is caused by HIV. Okay, so the transmission of HIV generally occurs through what? The correct answer for this is option B, transfusion of contaminated blood and blood products. ओके, इससे जो होता है, मतलब जो एड्स है वो स्प्रेड होता है, राइट? मोस्ट वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट पोजेस, ओके, व्हाट डू द मोस्ट वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव इन कॉमन? यू हैव टू आइडेंटिफाई हियर. सो द करेक्ट आंसर इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्गे रिप्रोड्यूस बाय ओगैमी? So the correct answer for that question is Volvox. Okay,
Next, cell wall chlorophyll is made up of which of the following? So the correct answer for this is cellulose and pectose. Okay. So this was the last question of biology, and today we had covered almost 150 questions in this 2.5 hours. Okay, and believe me, if you just go through the live classes also, that will be very helpful for your revision. And again, I'm telling for chemistry questions on acid bases and salts, the colloid, suspension, mixture, alloys, ores. Okay, the hardness of water, okay, isotope, isobar, isotone. These are very, very important topics for chemistry, guys. Okay, so never ignore this. And if you have time, do practice last 3 to 4 years question also. Give it one shot, right? And definitely, see, since you have been preparing for a long time, okay, the only thing is please try to revise each and everything and go in a systematic manner. And tomorrow, you have to stay cool and calm. Read the question twice, okay? Please don't be in hurry. And remember one thing, you have to clear both the sectional cutoff, okay, the general science also and the mathematics part also, right? For the NDA guys and for CDS guys, obviously if you're opting for IMA, AFA and this Naval Academy, you have to clear the maths cutoff, okay? So be very cool and calm there, right? You have been practicing, you will definitely do well. Use all your wisdom there, okay? And be faithful, since you have been putting in your efforts, definitely it will show up, and we are there to help you anytime. And tomorrow we will be also coming out with all the answers, okay? The live sessions will be ongoing so that you can very well check whether your answers are correct or not. Till then, everyone, my best wishes with all of you. I know you will do it, okay? So till then, everyone, keep learning, stay blessed. Thank you. Jai Hind.